इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में जानशीन बना रहा हूँ। मैंने ये अमल किया, उसके बाद से फिर मुझे तकलीफ वापस लौट कि बंदे को आजमाया जाए, बंदे को सजा दी जाए, तभी वो इंसान फिर तकलीफ देने में कामयाब होगा। लेकिन क्या करते हैं फिर उसकी वली गोया दुआओं को, कुरान की आयतों के पढ़ने को, लटकाने को नहीं। लड़कियों की तरफ से तैयारी भी होती, जरूरी नहीं हर बच्ची पे आप शक। अल्लाह चाहे तो कुरान के जरिए भी आपकी बीमारियों की शिफा दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने इसके बावजूद हमें ये बात सिखाई कि हम दवा इस्तेमाल करें, तो होना ही दवा भी इस्तेमाल करें, आप दुआ भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नश्शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा इन्नमा यदअू हिज़बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज की हमारी ये जो मजलिस है, इस मजलिस में हम और आप एक ऐसी दुनिया की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं जिस दुनिया के बारे में आम तौर पर लोगों के पास सही मालूमात कम हैं। सुनी सुनाई बातें, बहुत सारे गलत अफकारो नज़रियात और बसा औकात ऐसी गलत बातें जो आदमी के दीन ईमान को बर्बाद करके रख देती हैं, ऐसी बातें समाज में बहुत ज़्यादा आम हैं। ये दुनिया है जिन और जादू की दुनिया। जिन क्या है, जादू क्या है, और हमारी और आपकी ज़िंदगी से जादू का, जिन का क्या ताल्लुक़ है। और अल्लाह ना करे अगर हमारे समाज और माशरे में कहीं किसी जिन से किसी को तकलीफ है या फिर ये कि जादू किसी पर किया गया है, तो सिलसिले में हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में बुनियादी बातें आपके सामने आ जाएं। कोई ऐसा पहलू हो जो मेरी गुफ्तगू में नहीं आया लेकिन आपको लगता है कि आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो गुफ्तगू के बाद मुख्तसर सा एक सवाल जवाब का वक्फा भी रख लेंगे। उसमें आप हजरात और ख़वातीन अपना सवाल पूछ सकते हैं ताकि हम और आप इन हकीकतों को समझकर अपने दीन और ईमान की हिफाजत भी कर सकें, अपनी दुनिया को भी बेहतर दुनिया बना सकें और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनूदी का ये जो सफ़र है वो कामयाबी के साथ जारी रख सकें। हाज़रीन गिरामी, जिन और जादू के मसले को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने जिन से और इबलीस से हमारा क्या ताल्लुक़ रखा है। आप ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने से पहले जिनों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। जिन इंसानों से पहले पैदा की गई मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों में से इबलीस को अल्लाह ताला ने ऊपर ही रखा, लेकिन बकिया जो जिन थे वो ज़मीन में अल्लाह ताला ने बसा दिए। हमसे पहले, इंसानों से पहले इस ज़मीन पर जिन बसा करते थे। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। तो ये हुक्म उस वक्त इब्लीस के लिए भी था। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इब्लीस जिन्नों में से था। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने साफ बयान फरमाया कान मिनल जिन, ये इब्लीस जिन्नों में से था। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने जिनको हुक्म दिया उनमें से जिन भी था, उनमें से इब्लीस भी था कि हजरत आदम को वह सजदा करे। उसने इनकार किया, अल्लाह ताला ने अंजामे कार उसको धुतकार दिया। अल्लाह ताला ने उसे रजीम यानी अल्लाह के पास से निकाला हुआ, भगाया हुआ करार दिया। और उसने अल्लाह ताला से ये अहद व इकरार लिया कि ऐ अल्लाह ताला मुझे मोहलत देना कि जिस आदम की वजह से आज मैं धुतकारा जा रहा हूं, मैं इसे गुमराह करूंगा, मैं इसे बहकाऊंगा, मुझे इसकी मोहलत अता करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मोहलत इब्लीस को अता कर दी, अल्लाह ने उसको छूट दे दी। तो उसने इब्लीस ने यह बात कही कि अल्लाह ताला गवाह रहना कि तेरे बंदों में से, यानी ये आदम और उसकी औलाद है, इनमें की अक्सरियत को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा, अक्सरियत को नाफरमान ही तो पाएगा। और उसने ये भी कहा कि मैं आदम और उसकी औलाद को सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला, मैं इनके आगे से भी आऊंगा, इनके पीछे से भी आऊंगा, इनके दाएं से भी आऊंगा, इनके बाएं से भी आऊंगा, तो इनमें की अक्सरियत को ना शुक्रा ही पाएगा, शुक्रगुजार फर्मा बरदार नहीं पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों को जब जन्नत में रखा, इब्लीस ने वहां भी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में वसवसा डाला, जिसके नतीजे में अंजाम कार अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन पर भेजा। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहले से तयशुदा फैसला था कि जो जिन यहाँ रहते थे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने आबादियों से निकाल कर जंगल में, बयाबान में, पहाड़ियों में, वादियों में बसने का हुक्म दे दिया। जो घर यहाँ थे, जो आबादियां थीं, इनमें अल्लाह ताला ने आदम और बनी आदम को आबाद कर दिया। इसी का तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर करते हुए फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में जानशीन बना रहा हूँ। यानी फरिश्तों के, जिन्नों की जगह पर उनकी जगह लेने वाले आदम और उसकी ज़ुर्रियत को मैं जमीन में बसाने जा रहा हूँ। अब आप यहाँ देखें, हमारे सामने तीन हैं। एक हैं जिन जो जमीन में बसते थे, जो पहले हमारे से पहले पूरी जमीन में आबाद थे। आदम और बनी आदम को इस दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जंगलों में, बयाबान में, वीरानों में, वादियों में, पहाड़ों में, गारों में जाकर आबाद होने के लिए कह दिया। ये जिन हैं। दूसरी तरफ हमें इंसानों को आबादियों में, शहरों में, बस्तियों में, करियों में आबाद होने, बस्तियां बनाकर जीने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अब ये दो मखलूक़ात ऐसी हैं कि अल्लाह की दीगर जो मखलूक़ात हैं उनके मुकाबले में ये दो मखलूक़ात अलग हैं, जुदा हैं। इस एतबार से जुदा हैं कि अल्लाह ताला का दीन, अल्लाह ताला की शरीयत जिनके लिए नाजिल होती, ये दो मखलूक़ात हैं। इन दोनों को अल्लाह ताला ने ऐसे बसाया है कि अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में से ये दो मखलूक़ात अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया को आबाद करने के लिए भेजी गई। और यही मखलूक़ात आखिर में जन्नत और जहन्नम के फैसले का सामना करेंगी। दुनिया की सारी मखलूक़ात, जितनी मखलूक़ात है ना, वो इस दुनिया के साथ ख़त्म हो जाएंगी। या अल्लाह ताला इनमें से किसी को उठाएगा भी तो सवाब और अजाब का कोई मसला उनके साथ नहीं जुड़ा रहेगा। यही जिन है, यही इंसान है। इन दो मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया, शरीयत का, दीन का मुकल्लफ बनाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को पैदा ही इसलिए किया कि वो मेरी इबादत कर सकें। ये अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों के बारे में बयान फरमाया। अब इंसानों के बारे में तो आपको सारी बातें मालूम हैं कि आप खुद इंसान हैं। लेकिन जिन्नों के बारे में कुछ बातें आपके सामने मैं जिक्र कर देता हूं ताकि आप उनको समझ सकें। पहली बात तो यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को आग से पैदा किया, इंसान को मिट्टी से, जिन्नों को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। दूसरी बात यह है कि जिन अपनी असली शक्ल में अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि आपके आसपास होंगे तो भी आप अपनी इन खुली आंखों से उनको नहीं देख पाएंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो तुम्हें देखते हैं लेकिन तुम उनको देख नहीं पाओगे। इसीलिए कई मरतबा जिन आदमी के आसपास भी हो तो आदमी को दिखाई नहीं दे पाते। इन जिन्नों के अंदर अल्लाह ताला ने जो क़ुव्वतें अता की हैं इंसानों से मुख्तलिफ, जैसे हर जानदार हर जानवर को अल्लाह ने अलग अलग ताकतें दी हैं। जो भैंस है, भैंस की जो ताकत है, या फिर ये कि जो सांप है, सांप का जो जहर है, या फिर ये कि कोई भी दूसरा जानवर, हर जानवर की अलग कुदरतें अल्लाह ने ताकतें रखी है। ऐसे ही जिन्नों को अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अता की हैं जो इंसानों से मुख्तलिफ हैं। उनमें से एक खूबी यह है कि ये बड़ी तेजी से एक मुकाम से दूसरे मुकाम आ जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेजी से मुंतकिल होते हैं, सेकंडों में हो जाते हैं। आपको मालूम है अल्लाह के नबी बनाए जाने से पहले, बल्कि यूं कहिए नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले ये सूरत हाल थी कि जिन आसमान तक जाते थे, पहला जो आसमान है वहां तक जाकर अल्लाह ताला जो वही हजरत जिब्राइल को देता, वो वही हजरत जिब्राइल फरिश्तों को सुनाते पहुंचाते, तो वो बातें जिन वहां से सुन लेते थे और सुनकर वापस दुनिया में आकर उससे जो भला बुरा फायदा उठाना उठाया करते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी की बेइज्जत का इंतजाम किया तो अल्लाह ताला ने वहां पर पहरे लगा दिए। सूरह जिन में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी तफसील अल्लाह ने जिक्र की है। अल्लाह ने पहरे लगा दिए वहां पर। अब पहरे लगा देने के बाद सूरत हाल ये है कि जब ये जिन वहां बातें सुनने के लिए जाते हैं तो उनको मार कर भगाया जाता है, लेकिन अल्लाह की ये हिकमत है कि फिर भी चोरी छुपे इक्का दुक्का बातें वो उचक लेते हैं, सुन लेते हैं गैब की बातें, और वही बातें आकर ये जो आमिल कामिल काहिन जादूगर जो होते हैं ना, उनको वो बात बता देते हैं जो गैब की बात है, सच्ची बात, लेकिन वो सुनकर आकर बता देते हैं। अब ये जितने दुनिया के अंदर जादूगर हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि ये जादूगर उस एक सच में कई किस्म के झूठ मिलाकर, 99 झूठ मिलाकर लोगों के अंदर उसे सुनाते हैं। अब जादूगर की बताई हुई, गैबदानी का दावा करने वाले की, या फिर आमिल की कामिल की बताई हुई ये जो बात होती, वो एक बात जो है वो सच हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, 99 झूठी बातों को भी सच मानने लगते। ये अल्लाह के नबी ने बयान किया, कुरान में इसका तज़किरा। मकसद क्या है ये बताने का, आप ये समझें कि ये ऐसी मखलूक है जो बड़ी तेजी से आसमान तक जाती है, आसमान से जमीन तक बड़ी तेजी से मुंतकिल हो जाती है। अल्लाह ने उनको ऐसे बनाया है और उसके साथ साथ इनको जो क़ुव्वतें अल्लाह ने अता की है ना, उनमें से दो क़ुव्वतें बड़ी अहम है, याद रखें। एक है ये लोगों की शक्ल इख्तियार कर दें, यानी अपनी शक्ल बदलने की ताकत अल्लाह ने इनके अंदर रखी, यानी मैं अगर आपकी शक्ल में आना चाहूं नहीं आ पाऊंगा, आप मेरी शक्ल इख्तियार करना चाहिए, हमारी शक्ल परमानेंट है। लेकिन जिन्नों की असली शक्ल वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन उनको इंसानों की शक्ल, कभी जानवरों की शक्ल, कभी बिच्छू की शक्ल, कभी सांप की शक्ल, ये शक्ल इख्तियार करने की कुदरत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखूं, दलाइल रखूं, लेकिन अहादीस में इस बात का सराहत के साथ तज़किरा है कि जिन इन शक्लों में आते हैं। हत्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमाया कि दज्जाल का जो फितना होगा ना क़ियामत के करीब, वो दज्जाल का फितना इस कदर ज्यादा खतरनाक होगा कि वो एक नौजवान से कहेगा, मैं तेरा रब हूं ईमान ले आ। वो कहेगा कि नहीं, तू मेरा रब कैसे हो सकता है, मेरा रब तो वो है जो मारने जिलाने पे कुदरत रखता है, लोगों को मौत और हयात देता है। तो फिर दज्जाल कहेगा, अच्छा तेरे माँ बाप को मैं अगर जिंदा करके लाऊं तो तू मान जाएगा? वो नौजवान कहेगा कि हाँ मान जाऊंगा। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिर दज्जाल दो जिन्नों को यानी दो शैतानों को हुक्म देगा, तो फिर वो दो शैतान फयतमस्सलु लहु शैतानान माँ बाप की, उस नौजवान के माँ बाप की शक्ल इख्तियार करके आएंगे और आने के बाद कहेंगे बेटा इस पर ईमान ले आ। बेचारा फितने में मुब्तला होकर उसको खुदा मान बैठेगा, ईमान ले आएगा। मालूम यह हुआ कि जिन्नों को अल्लाह ताला शक्लें बदलने की भी या किसी की शक्ल में आने की इख्तियार दिया है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने यह कहा कि शैतान दूसरों की शक्ल इख्तियार कर सकता है लेकिन मेरी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल जो हकीकी अल्लाह के नबी की शक्ल है वो शक्ल इख्तियार करके कभी नहीं आ सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई और शक्ल, बुजुर्ग की शक्ल, नेक आदमी की शक्ल इख्तियार करके आके कहे देखो मैं शैतान, मैं नबी हूं, धोखा देने के लिए कर सकता है। ये एक चीज है। और दूसरी बात, आप ये बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनों की उम्र लंबी रखी है निस्बतन इंसानों के, इंसानों के मुकाबले में जिनों की उम्र लंबी है। ये कुछ ऐसी खुसूसियतें जो अल्लाह ताला ने इंसानों के मुकाबले में जिनों को अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं। ये कुछ बातें अगर आप समझ रहे हैं, आइए मैं आपको लेके चलता हूं मौजू के असल बुनियाद की तरफ। इबलीस और उसकी जो जुर्रियत, इबलीस जिन्नों में से था लेकिन नाफरमान हुआ, तो इबलीस और उसकी जो जुर्रियत है ये पूरे के पूरे नाफरमान ही नाफरमान, ये पूरे के पूरे इबलीस और उसकी जुर्रियत यानी उसकी औलाद, इबलीस और उसकी औलाद, ये सिलसिला चलेगा। सारे के सारे सिर्फ नाफरमान होंगे लेकिन बकिया जो जिन हैं ये बकिया जिनों में से इंसानों की तरह मोमिन भी हैं, काफिर भी हैं, नेक भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे इंसाफ पर लोग भी हैं, जालिम भी हैं। जैसे इंसानों में आप अच्छाई और बुराई का फर्क देखते हैं, यही बकिया जिनों के अंदर भी मामला चलता है। अगर ये हकीकतें आपकी समझ में आ गई हैं तो मैं अपने मौजू के अहम नुक्ते की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। नुक्ता यह है मेरे भाइयों कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको यह हुक्म दिया कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़बहु लियकुनू मिन अस्हाबिस सईर। अल्लाह ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मनी ही बना के रखो। शैतान तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, शैतान आपका साथ देकर भी आपका साथ ही नहीं हो सकता, शैतान आपके काम आकर भी आपका हकीकी मददगार नहीं हो सकता। वो दुश्मन है, वो दुश्मन ही रहेगा। आदम और बनी आदम के साथ उसकी दुश्मनी अजली है यानी जब हजरत आदम पैदा हुए तब से है, और अबदी है यानी हमेशा का दुश्मन है। ये एक ऐसी दुश्मनी है जो कभी दोस्ती में नहीं बदल सकती। ये पहला बुनियादी मसला आपको याद रखना चाहिए। इबलीस और उसकी जुर्रियत कभी बनी आदम के, आदम की औलाद के यानी इंसान के दोस्त हो ही नहीं सकते। ये हमेशा के दुश्मन हैं और ये दुश्मनी हर हाल में आपके साथ निभाते हैं, निभाते रहेंगे। इबलीस और उसकी जुर्रियत हमेशा आपके साथ दुश्मनी निभाते रहेंगे। ये दुश्मनी कैसे निभाएंगे? शैतान इंसान के पीछे जो पड़ा हुआ है, उसने कहा ना मैं आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा। ये कैसे निभाएगा ये दुश्मनी? कुरान और सुन्नत से मालूम होता है कि शैतान इंसान के साथ जो दुश्मनी निभाता है उसके तरीके कई एक हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि इंसान को बहकाता है, भटकाता है, यानी इंसान के अंदर या तो ख्वाहिशात को बढ़ाता है, इंसान की ख्वाहिशात को बढ़ाकर उसे बेदीन कर देता है, या इंसान के दिल में शुकूक को शुबहात डालकर इंसान को बेदीन कर देता है। कैसे भी, ख्वाहिशात के जरिए से हो या शुबहात, शुकूक को शुबहात पैदा करके हो। वो चाहता यह है कि आदम और उसकी औलाद बेदीन हो जाए। क्यों? वो इसलिए चाहता है कि उसे मालूम है कि इसकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, अब अगर ये दीन पर कायम रहा तो कामयाब हो जाएगा, बेदीन अगर होगा तो फिर ये नाकाम होगा। इबलीस और उसकी जुर्रियत आपके मेरे पीछे लगी रहती है। और कैसे लगे रहती है मालूम? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरा दम, कि शैतान इंसान के खून के साथ साथ दौड़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से हर आदमी के साथ जिनों में से शैतानों में से एक करीन, एक साथी मुसल्लत है जो आपके पीछे हर हाल में लगा रहता है। हर आदमी का अलग शैतान, हर आदमी के साथ एक इब्लीस की जुर्रियत में से कोई लगा हुआ है जो मुझको और आपको बहकाने की कोशिश करता है। वो ख्वाहिशात के रास्ते से भी बहकाता है, वो शुबहात के रास्ते से भी बहकाता है। बहरहाल उसकी कोशिश ये होती है कि आप और हम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाएं, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला ना हो, बिदातों में मुब्तला हो जाएं, बिदातों में मुब्तला ना हो। तो कोशिश ये करता है कि आप और मैं फराइज वाजिबात को छोड़ने वाले बन जाएं, मुस्तहब्बात को छोड़ने वाले बन जाएं। ये भी ना हो तो फिर बड़े बड़े गुनाहों में, बिदातों में मुब्तला करता है, बिदातों में नाकाम हो जाता है। इब्न कय्यम रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी एक तरतीब बताई है। आज आप इस तरतीब को देख लें कि शैतान कैसे हमें गुमराह करना चाहता है। इब्न कय्यम ने लिखा है शैतान सबसे पहले कोशिश करता है कि आदम और उसकी जुर्रियत कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाए। क्यों? इसलिए कि कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हुए हमेशा की जहन्नम, जन्नत से हमेशा के लिए महरूमी। और इब्लीस चाहता है जैसे वो बर्बाद हुआ है वैसे आदम और उसकी औलाद भी बर्बाद हो जाए। पहली कोशिश उसकी ये होती है कि आदम और उसकी औलाद कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाए। अगर इसमें नाकाम होता है, अगर इसमें नाकाम होता है तो फिर इब्लीस इंसानों के पीछे लगता है कि बिदातों में मुब्तला करे, बिदातें जो दीन के नाम पे नए नए काम, बिदातों में मुब्तला करे। अगर बिदातों में कामयाब हो जाता है तो बिदातों के बारे में कहा जाता है बिदातु बरीदु शिर्क। ये बिदात जो होती है ना, ये शिर्क का या कुफर का डाकिया, पोस्टमैन होता है, जो यहां तक आता है वो शिर्क तक बिलाखिर जाके पहुंचता है। बिदातों में कोशिश करता है। कोई इंसान शिर्क भी नहीं करता, कुफर भी नहीं करता, बिदातों से भी बच जाता है, तो फिर इब्लीस उसके पीछे लगता है कि उसे क्या करे, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला कर दे। जीना में, सूद में, कत्ल में, शराब नोशी में, ऐसे जो बड़े बड़े गुनाह इस्लामी शरीयत ने, चोरी में, डाके में, जुल्म में, जबरदस्ती, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता है। अगर इसमें कामयाब हो गया बहुत अच्छा है। अगर इसमें भी नाकाम हो जाता है, गुनाहों में मुब्तला करने में नाकाम हो गया, तो अब आता है इस बंदे को फराइज छोड़ने वाला बनाऊंगा। फराइज जो है, फर्ज रोजा है, फर्ज नमाज है, इनसे गाफिल करना शुरू करूंगा। अगर इसमें कामयाब हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर इसमें भी नाकाम हो गया तो फिर काम ये करता है सुननों नवाफिल से गाफिल करना, सुन्नतों से गाफिल करना। आदमी फराइज की पाबंदी कर रहा है, सुन्नतों से गाफिल कर देता है। और अगर इसमें कामयाब हो गया तो ठीक, और अगर इसमें भी नहीं रहता तो फिर क्या करता है। अल्लामा इब्न कय्यम रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि इंसान को हमेशा क्या करता है, ज्यादा अहम काम से हटाकर कम अहमियत वाले काम में मशगूल कर देता है। कम अहमियत वाला, ताकि बंदा कमाए भी तो सवाब कम कमाए, छोटा कमाए, ज्यादा अहम काम, ज्यादा जरूरी काम ना करें। और उसके बाद इब्न कय्यम ने एक बहुत बड़ी बात लिखी, वो समझने की जरूरत। वो कहते हैं अब इंसान, शैतान इनमें से किसी भी दर्जे में कामयाब हो जाए ना, तो फिर उसके बाद क्या करता है, लगा रहता है कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। मान लीजिए सुन्नतें छोड़वा रहा है आपसे, मुझसे, तो कोशिश करता है कि रफ्ता रफ्ता फर्ज नमाजों में कोताही शुरू हो जाए। फर्ज नमाजों में अगर कोताही शुरू होती है तो फिर कोशिश करता है इससे आगे बड़े बड़े गुनाहों में ले जाए, जिना में, चोरी में, हराम कमाई में, सूदखोरी में ले जाए। और अगर इसमें कामयाब हो जाता है तो फिर कोशिश करता है आदमी को बिदतों में ले जाए, किसी भी नाम पर, किसी भी हवाले से गलत कामों में ले जाए, बिदतों में ले जाए। और अगर इसमें भी कामयाब हो जाता है तो फिर उससे ऊपर वाले दर्जे शिर्क व कुफ्र में ले जाए। इब्न कय्यम ने लिखा है शैतान 24 घंटे हर इंसान के साथ इस मिशन पे लगा हुआ है। और कम से कम जो एक हमारे साथ लगा हुआ है ना, इब्लीस इस वक्त भी है, आपके साथ है, मेरे साथ, और जो बात हम कर रहे हैं वो भी वो सुन रहा है। यानी उसे मालूम है कि उसका पर्दा खुल रहा है, वो अपनी तैयारी करेगा, आपको अपनी भी तैयारी करनी है। इबलीस और उसकी ज़ुर्रियत और उसकी तरफ से अल्लाह ने जो मुकर्रर किया कि इंसान के साथ जोड़ीदार करीन है, ये इंसान के पीछे लगा रहता है। इब्न क़य्यिम ने कहा इनमें से किसी न किसी दर्जे में वो इंसान के साथ कामयाब होता है तो फिर अगले मरहले में ले जाने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, अब इस तफसील की रोशनी में आप देखो, अब इन दोनों इन रास्तों में कैसे लाएगा, कभी ख्वाहिशात की आपकी मेरी बढ़ा कर, कभी ख्वाहिशात को बहका कर, रास्ता भटका कर, कभी ख्वाहिशात के नाम पे गलत चीज़ों में मुब्तला करके, और कभी दीन में शुबहात पैदा करके आदमी कहे कि भाई फ़र्ज़ तो मैं पढ़ता हूँ, सुन्नत की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया होता तो पढ़ लेता, फ़र्ज़ तो 5 वक्त की नमाज की है, बकिया सुन्नतों की पाबंदी क्यों करूँ। आदमी के दिल में ख्यालात, वसवसे वगैरह डालकर इबलीस इंसान के पीछे लगा रहता है, और उसके रास्ते कई हैं। इन रास्तों के साथ साथ उसका एक बड़ा रास्ता ये भी रहता है कि वो इंसान के दिल में वसवसे डालता है, तरह तरह के ख्यालात डालता है, और ऐसे ख्यालात के बसा औकात आदमी के दीन और ईमान में जलजला आ जाए। कैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया का इबलीस आपके पीछे लगा रहता है, इबलीस आपके साथ लगा रहता है, आपके जहन में सवाल डालता है, अच्छा फुलां को किसने पैदा किया, आप ईमान वाले जवाब देते हैं अल्लाह ने पैदा किया। अगला सवाल करता है फुलां को किसने पैदा किया, आप कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया। ऐसे ही एक एक करके पूछता जाता है, यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो ये सवाल आपके दिल में डालता है, जब सबको अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। ये जब हदीस मैंने पढ़ी ना तो मुझे लगा कि यह हदीस शायद किसी किसी के साथ होती होगी, लेकिन ऐसे ही एक दर्स में मैंने कहा, ऐसे ही एक दर्स में हदीस मैंने सुनाई। दर्स के बाद कुछ नौजवान आए, उनमें से एक नौजवान ने कहा अल्लाह की कसम यही ख्यालात मुझे आते रहते हैं, और बईद नहीं आप में से भी किसी को आते हो, नहीं आते हैं तो अल्लाह का करम है, लेकिन अगर आते हैं तो परेशान मत हो। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मसला साफ कर दिया। पहली बात तो ये बता दी, जब तक दिल में सिर्फ वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, अल्लाह ताला इस उम्मत के ताल्लुक से ये फैसला कर चुका है कि इस उम्मत के अफराद के दिल में आने वाले वसवसों ख्यालात पे अल्लाह कोई पकड़ नहीं करेगा। इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसुहा, इनके दिल में जो ख्यालात आते हैं, शैतानी ख्यालात, चाहे वो अल्लाह के बारे में गलत हो, नबी के बारे में गलत हो, दीन के बारे में गलत हो, या फिर बुराइयों के ख्यालात, जब तक ख्याल सिर्फ आता है अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं होती। पहली तसल्ली। और उसके बाद दूसरी बात अल्लाह के नबी ने यह बयान फरमा दी कि तुम्हें क्या करना है। अल्लाह के नबी ने वसवसे के इलाज बताए, जैसे अल्लाह के नबी ने कहा आदमी बाएं तरफ थूक ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सूरह इखलास पढ़ ले, अल्लाह के नबी ने कहा आमन्तु बिल्लाह कह ले, अल्लाह के नबी ने कहा औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से अल्लाह की पनाह मांग ले। वसवसे के जो इलाज हैं वो कर ले, आदमी महफूज हो जाएगा। भाइयों, तफसील में नहीं जा रहा हूं, बहुत मुख्तसर करके बताना चाह रहा हूं। इबलीस और उसकी जुर्रियत आदम और बनी आदम के पीछे लगी है कि इसको किसी तरह गुमराह करना है। एक तो ये दुश्मनी इस तरह निकालते हैं कि आदम और उसकी औलाद को गुमराह कर दें, और कैसे गुमराह करेंगे मैंने बताया आपको बहुत मुख्तसर करके। लेकिन इबलीस और उसकी जुर्रियत की दूसरी जो कोशिश होती है ना, वो है आदम और उसकी औलाद को तकलीफ देना, इनको सताना, इनको परेशान करना। क्यों परेशान करना? इसलिए कि दुश्मनी इतनी है कि आदम और बनी आदम को तकलीफ देने में खुद उनको राहत मिलती है। जैसे आप देखते हैं आपका कोई दुश्मन हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं हो तो नहीं, लेकिन आपको तकलीफ में देखना चाहता है। भाई हमेशा आदमी फायदे के लिए नहीं करता दुनिया में, कई मरतबा सिर्फ इसलिए करता है कि उसे आप पर दुश्मनी निकालनी है अपनी। आप ये बात समझें, इबलीस और उसकी जुर्रियत, इबलीस और उसकी जुर्रियत क्या करते हैं, आदम की औलाद को तकलीफ देना चाहते हैं। क्यों तकलीफ देना चाहते हैं? इसलिए कि दुश्मनी, वो जो इब्तिदा से चली दुश्मनी है जिसका कोई खातिमा होने वाला नहीं मरते दम तक, इसके पीछे इबलीस और उसकी जुर्रियत लगी हुई है, और वो इंसान को तकलीफ देना चाहते हैं। और तकलीफ देने के दो मकसद होते हैं, याद रखना ये बात। एक तो ये कि तकलीफ देना खुद अपने आप में उनका मकसद है, आपको तकलीफ देकर उनको खुशी मिलती है। आदम और बनी आदम को तकलीफ देकर उसे खुशी मिलती है। और दूसरी अहम बात याद रखना, तकलीफ में मुब्तला करने के बाद इस तकलीफ के रास्ते से आपको मुझको वो गुमराह करना चाहते हैं। उनका जो असल मकसद है कि हमें जन्नत से महरूम कर दे, हमें जहन्नम में ले जाए, हम और आपको मुशरिक और काफिर बना दे, इस तकलीफ के रास्ते से वो यहां तक हम और आपको लाना चाहते हैं। मेरी गुफ्तगू की सबसे अहम बात यही दो बातें याद रखना। जिस बंदे को ये दो बातें याद रहेंगी ना, वो शैतान के मकर और फरेब को बखूबी समझ पाएगा, और जितनी बातें आइंदा आएंगी ना वो सारी बातों को समझ पाएगा। हम असल में यही नहीं समझ पाते हैं कि ये इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत जो हमें सताते हैं, ये जो उनका सताना, इसके पीछे उनके दो मकसद हैं। एक तो सताकर उनको खुशी मिलती है, और उससे बड़ा मकसद ये कि इसी तकलीफ के रास्ते से वो हम और आपको गुमराही तक ले जाना चाहते हैं, शिर्क की तरफ ले जाना चाहते हैं, बिदअत की तरफ ले जाना चाहते हैं, कुफ्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, अल्लाह से दूर करने की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम और आपको बहरहाल गुमराह करना चाहते हैं, इस तकलीफ के रास्ते से लेकर जाना चाहते हैं। मैंने बताया इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत अपनी दुश्मनी कैसे निकालते हैं, ख्वाहिशात या शुबहात के जरिए दीन में खलल पैदा करना, जिसकी तरतीब मैंने आपको बताई। और दूसरी तरीका ये होता है कि वो आदम और बनी आदम को तकलीफ देते हैं, सताते हैं, और सताने के बाद से लेकर आदमी को गुमराही तक ले जाने के लिए हमेशा पीछे लगे रहते हैं। ये जो बात है ना, यही असल में जिन है, जिसे आप जिन का साया कहते हैं, यही है जिसे आप जादू कहते हैं, यही है जिसे आप जो है लोगों की तरफ से, जिनों की तरफ से सताए जाने के मामलात कहते हैं। असल में इसी कैटेगरी से उसका ताल्लुक। ये कैसे होता है मैं उसकी तफसील रखूंगा, लेकिन असल बुनियाद यही है कि आप समझें कि इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत आपकी मेरी दुश्मन है। इन्ना शैतान लकुम अदू, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिदूहु अदुवा, तुम इसे अपना दुश्मन ही बना के रखो। अल्लाह ताला ने यह बात साफ तौर पर कही, और आगे अल्लाह ने कहा इन्नमा यदउ हिज़बहु, वो अपने पैरोकारों को, अपनी जमात को, यानी जो उसके हो जाते हैं, जो उसकी बात मान लेते हैं ना, तो उनको क्या करता है, उनको बुलाता है लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि अंजामे कार आखिर में इसके साथ वो भी जहन्नम में चले जाएं। मेरे भाइयों, अब हमारा और आपका रवैया क्या होना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि जिन की तरफ से, इब्लीस की तरफ से, उसकी ज़ुर्रियत की तरफ से अगर कोई तकलीफ दी जाती है, उसके पीछे उनका मकसद क्या है? एक तो हमें सताना है, और सताने से आगे बढ़कर इस रास्ते से हम और आपको दीन से गाफिल करना है, जन्नत से दूर ले जाना है, जहन्नमी बनाकर छोड़ना, ये उनका मकसद है। ये बात अगर आप जहन में रखते हैं तो फिर आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। ये जो जिन का साया है कहते हैं, या जिन सताता है कहते हैं, ये कैसे होता है? देखो भाइयों, एक बात याद रखो, एक तो इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत है, ये हमेशा सताने वाले, ये हमेशा, ये दुश्मन है हमेशा। अब उसके बाद इंसानों में से कुछ फरमाबरदार होते हैं, कुछ नाफरमान होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाबरदारों को औलिया और रहमान, यानी अल्लाह ताला के दोस्त, अल्लाह के मुकर्रब बंदे कहा है। और जो नाफरमान होते हैं ना, ये काफिर, ये मुशरिक, ये बिदाती, इनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में इनको औलिया उस शैतान का, ये शैतान के दोस्त होते हैं। ऐसे ही जिन्नों में भी औलिया और रहमान, नेक जो जिन होते हैं, अल्लाह के जो बंदे होते हैं, वो नेक जो फरिश्ते, जो नेक जिन होते हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, जैसे इंसानों में नेक होते हैं। और वैसे ही जिन्नों में से जो सरकश होते हैं, जिन्नों में से जो नाफरमान होते हैं, वो भी शैतान के दोस्त हुआ करते हैं। अब आप यूं समझ लीजिए कि ईमान, अहले ईमान के तीन तरह के दुश्मन हो गए। एक इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत हो गई, दूसरी जिन्नों में से जो नाफरमान है, वो भी जिन है, वो भी जिन है, लेकिन ये नेक और भले दोनों हो सकते थे, लेकिन ये बुरे हो गए, ये फिर इनकी दोस्ती शैतानों से होती है। और वैसे ही इंसानों में से जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, ये भी शैताने मरदूद के दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्त बन जाने के बाद यहां से खेल शुरू होता है जिनों वाला, यहां से खेल शुरू होता है जादू वाला, यहां से खेल शुरू होता है लोगों को तकलीफें देने वाला। ये तीनों मिलते हैं, कभी अपने अपने तौर पर, अपनी अपनी जगह, और कभी दूसरों के साथ मिलकर आदम और बनी आदम को, यानी इंसानों को सताने के मिशन पर ये लग जाते हैं। कैसे लगते हैं? देखिए, एक बात याद रखिए, इस्लामी शरीयत ने मर्द व ख़वातीन को बहुत सारी तालीमात का पाबंद बनाया, अज़कार की पाबंदी का हुक्म दिया, पर्दे का लिहाज रखने का हुक्म दिया, नमाजों की पाबंदी करने का हुक्म दिया, पाकी सफाई का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। ऐसे ही बेजा गुस्सा करने से मना किया, गुस्सा बजा भी हो तो काबू में रखने का हुक्म दिया। ऐसी बहुत सारी तालीमात अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। जब इंसान इनमें कमज़ोर वाक़ होने लगते हैं ना, अकीदे में, ईमान में, अमल में, अज़कार की पाबंदी में, हराम हलाल की तमीज़ में, जब कमज़ोर होने लगते हैं तो ऐसे मौके पर ये जो दुश्मन हैं, इन दुश्मनों के लिए आप एक तरने वाला बन जाते हैं, आप एक तरने वाला बन जाते हैं। कुरान मजीद की एक आयत में, बल्कि दो आयतों में अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़े अंदाज में तफसील बयान फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लदीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून इन्नमा सुल्तानुहु अलल लदीना यतवल्लौना वल्लदीना हुम बिही मुशरिकून। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु, सुनो मामला ये है, लैसा लहू सुल्तान, उस इबलीस को, उसकी ज़ुर्रियत को कोई इख्तियार हासिल नहीं है, अलल्लज़ीन आमनू, जो ईमान वाले हो, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब पे तवक्कुल करने वाले हो। कामिल ईमान वाले, तवक्कुल करने वाले और कामिल ईमान वाले, जो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, जो वाकई मानों में मजबूत ईमान वाले होते हैं ना, इन पे वो तसल्लुत नहीं रखते, पूरी तरह वो उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीन यतवल्लौना, उसका तसल्लुत उन पे होता है जो उससे नजदीकियां बढ़ाते हैं, वल्लज़ीन हुम बिही मुशरिकून, और जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये मसला बता दिया कि जिन इंसान को कब और कैसे तकलीफ देते हैं। मेरे भाइयों, एक मसला याद रखो, जिन्हों को अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं जो मैंने आपके सामने बताए, और उन्हीं में से एक इख्तियार ये भी है, सही अहादीस से मसला साबित है कि जिन इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है। नए जमाने में, पुराने जमाने में मुतजिला एक गुमराह फिरका है, वो जिन्नों के वजूद को का इनकार करते ही कहते थे कि जिन हैं, लेकिन वो इंसान के अंदर दाखिल होकर तकलीफ नहीं दे सकते, जो भी है वो बहका सकते हैं, भड़का सकते हैं, गलत राह पे ले जा सकते हैं, लेकिन जिस्मानी तकलीफ जिन कभी नहीं दे सकते। लेकिन सही अहादीस से मसला साबित है कि जिन इंसान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, बल्कि कुरान मजीद की एक आयत की तफसीर से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी तज़किरा किया है कि जिन इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس। इस आयत की तफसीर में आप पढ़ के देखें, सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह ने बयान ये फरमाया कि जो लोग सूद खाएंगे ना, रोज़े क़ियामत वैसे ही खड़े होंगे जैसे दुनिया में वो आदमी जो शैतान के छू लेने पर इधर उधर जो है डोलता रहता है, जम के खड़ा नहीं रह सकता है। हाज़रीन गिरामी, बताने का मकसद ये कि जिन इंसान के अंदर आकर तकलीफ दे सकता है, इसका सबूत क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस से सबूत मिलता है। एक सहाबी थे हजरत उस्मान इब्न अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने इनको ताइफ का इमाम बनाकर भेजा था, ताइफ का इमाम बनाकर भेजा था, लेकिन इनका मसला ये था कि वह नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते, कुरान पढ़ ही नहीं सकते थे, बड़ी मुश्किल होती थी कुरान पढ़ने में। आए अल्लाह के नबी के पास अपना मसला लेकर, अल्लाह के नबी ने आकर कहा, अल्लाह के नबी से आकर कहा कि अल्लाह के नबी ये तकलीफ है। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान इब्न अबिल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीने पे अपना हाथ रखा। अल्लाह के नबी ने सीने पे उनके हाथ मारा और मार कर कहा, उखरुज अदू अल्लाह अना रसूलुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह के दुश्मन निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। एक दूसरी रिवायत से ये भी मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो लुआब था ना, वो अल्लाह के नबी ने उनके मुंह में रखा। उसके बाद वो कहते हैं वापस लौट गया, फिर कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इस हदीस के जो अल्फाज हैं, सीने पे हाथ मारकर अल्लाह के नबी का कहना बाहर निकल जा, निकल जा, इससे मालूम होता है कि जिन इंसान के अंदर रहकर इंसान को तकलीफ दे सकता है। ऐसा ही एक वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा तबूक के मौके पर पेश आया था। वो वाकया ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो एक खातून अपने बच्चे को लेकर आई, कहने लगी कि इस पर कुछ ऐसी तकलीफ है कि कोई इलाज इस पर असर नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मामला वहां भी किया कि आपने बच्चे के सीने पर हाथ रखा, कहा उखरुज अदुवल्लाह, अल्लाह के दुश्मन बाहर निकल जा, अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के नबी ने उस खातून से कहा जब हम वापस लौटे ना, उसी रास्ते से वापस लौटना है, वापसी में जब मेरे बारे में सुनो तो आना। वो खातून आई और आई तो अपने साथ कुछ तोहफे तहाइफ लेकर आई, कहने लगी उस दिन के बाद से फिर कभी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई है। मालूम यह हुआ कि इंसान के अंदर जाकर भी जिन इंसान को तकलीफ दे सकता है। भाइयों, इस तफसील की रोशनी में आप ये देखें कि अल्लाह ताला के हुक्म और मर्जी ही से जब अल्लाह चाहता है, इबलीस और उसकी ज़ुर्रियत और उसके साथ साथ ये जो जिन हैं, जो जिनों में से सरकश जिन हो जाते हैं, जो नाफरमान हो जाते हैं, ये इंसानों को तकलीफ दे सकते हैं। कैसे तकलीफ दे सकते हैं? किसी भी तरह। किसी भी तरह का मतलब यह है कि जिस्म में तकलीफ है, कहीं बदन में मुस्तकिल दर्द होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो आपके अंदर आते हैं और आपकी कैफियत बीमारों वाली हो जाती है। कई मरतबा ऐसा भी होता है वो आदमी को फिट्स की जो कैफियत आती है ना, वो भी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, एक एक करके मैं मिसाल दूं, अहादीस से दलाइल भी दे दूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी, जब से इस्लाम कबूल किया है ना, तब से अल्लाह के नबी हाथ में मुसलसल दर्द रहता है, मुसलसल दर्द है हाथ में और कभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस जगह दर्द होता है वहां पे अपना हाथ रखो और रखने के बाद 3 मरतबा बिस्मिल्लाह कहो। 3 मरतबा बिस्मिल्लाह कहने के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर। अल्लाह के नबी के साहबी कहते मैंने ये अमल किया, उसके बाद से फिर कभी मुझे तकलीफ वापस लौट कर नहीं आई। इस हदीस से 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं। पहली बात, इंसान जिन इंसान के जिस्म में आकर कहीं तकलीफ दे सकता है, किसी को मुस्तकिल दर्द सर है, किसी को बदन में कहीं दर्द है, कहीं कमर का दर्द है, कभी पैर में, कोई भी तकलीफ का सबब बन सकता है। जाहिर है ये अल्लाह की मर्जी ही से होगा, जैसे दुनिया के सारे नुकसानात अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होते, ये भी सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं करते, उनकी मर्जी के बाद अगर अल्लाह चाहेगा कि बंदे को आजमाया जाए, बंदे को सजा दी जाए, तभी वो इंसान पे तकलीफ देने में कामयाब होगा, लेकिन जिस्म में तकलीफ दे सकता है। दूसरी बात ये याद रखना, आदमी जब सुधरना चाहता है, जब आदमी नेक बनना चाहता है, शैतान ऐसे आके तकलीफ देता है। साहबी क्या कह रहे हैं, जब से इस्लाम कबूल किया है तब से ये तकलीफ है। क्यों ये तकलीफ है? ताकि उस सहाबी के दिल में यह ख्याल आए इस्लाम कबूल करने की वजह से यह तकलीफ है और वापस इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाए। आपके घरों में भी हो सकता है, आपकी अपनी जिंदगी में भी हो सकता है, आप दीन की पाबंदी करने वाले हो रहे हैं, आपके घर में ऐसी कोई तकलीफ आ रही है, कोई परेशानी आ रही, आपको करना क्या चाहिए? दीन छोड़ देना चाहिए? तौहीद से तो छोड़कर शिर्क की तरफ जाना चाहिए? नहीं, अल्लाह के नबी ने तरीका सिखाया, इस तरीके पे अमल करो। बिस्मिल्लाह 3 मरतबा, औदु बिइज्जतिल्लाहि व कुदरती मिन शर्रि मा अजिदु हादिर, ये दुआ 7 मरतबा ऐसे वक्फे वक्फे से बार बार करते रहो। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। एक बात। दूसरी बात जो मालूम होती है कि शैतान इंसान के अंदर आकर उनको बात करने से रोक सकता है, पढ़ने से रोक सकता है। जैसे अभी मैंने हजरत उस्मान इब्न अबिल आस रदियल्लाहु तआला अन्हु की बात सुनाई, और ये भी कर सकता है वो इबादत से रोके, कुरान से रोके, जैसे नमाज में उनको रोक रहा था पढ़ने से। और आप ये भी याद रखें कि इबलीस इंसान को बसा औकात पागल और मजनून भी कर सकता है। अल्लाह की मर्जी से सारी चीजें, अल्लाह की मर्जी और इजाजत से, वरना अल्लाह की मर्जी के बगैर वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ऐसा क्यों करते हैं? 2-3 वजूहात होते हैं अल्लाह के बंदों। या तो ये होता है कि उनके अंदर आपके लिए नफरत है, दुश्मनी, इसलिए करते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसानों की तरफ से उनके हक में ज्यादती की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तालीमात हम और आपको दी हैं, जिन तालीमात की पाबंदी करनी चाहिए। अगर भेजा हमारी तरफ से, उनको तकलीफ हो गई, तब वो बदले के तौर पर भी हम और आपको सता सकते। ये बात भी आप याद रखें। और कभी कभार तीसरी एक वजह भी होती है बास जिन जो है बड़े शरीर होते हैं, शरारत उनकी तबीयत है। बच्चों में देखते नहीं आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लोगों को सताना उनका काम है, वो सताएं तो उनको मजा मिलता है। जिनों में भी ऐसे कुछ शरीर जिन होते हैं जो लोगों को सताने के लिए आते हैं और लोगों को सताते हैं। भाइयों, जिन्नों का इंसानों को तकलीफ देना यह बरहक है, लेकिन यह होता कैसे? अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाजत से होता है। लेकिन अगर जिन सताए तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ बातें अब मैंने आपके सामने जिक्र की और कुछ बातें मैं आगे जिक्र करूंगा जब मैं जादू के तस्करे पे आऊंगा। एक तो यह मालूम हुआ कि जिन सताते हैं, कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ खवातीन बेपर्दा रहती हैं। बेपर्दा का मतलब क्या है, मैं जरा खुलकर बोलूं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए, एक बेपर्दगी वो है कि खातून अपना चेहरा या अपने जिस्म के कुछ हिस्से, हाथ वगैरह खुले रखकर बाहर निकलती है, सड़कों पे निकलती है, मर्द जिसे देखते हैं, ये बेपर्दगी भी। लेकिन ये भी बेपर्दगी है कि घर की चार दीवारी के अंदर नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, कमरा तो बंद है, लेकिन अल्लाह के नबी ने एक अदब सिखाया है कि दरवाजा या दरीचा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लो, लिबास उतारते हुए अल्लाह का नाम लो, दुआएं पढ़ो। जब कोई खातून ऐसे मौके पे इसका एहतमाम नहीं करती, बईद नहीं कि ऐसे मौके पे कोई जिन मौजूद रहे और वो किसी के पीछे पड़ जाए, ये भी मुमकिन रहता है। इन सब बातों को जहन में रखकर आपको करना क्या है, जो अज़कार है, जो इस्लामी तालीमात है, उनकी पाबंदी करें और उसके साथ अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहे, शैतान के, उसके चेलों के, उसकी ज़ुर्रियत के शर से पनाह मांगते रहे। ये जिन्नों का मामला है। लेकिन जादू का जो मसला है, ये इससे जरा कदरे मुख्तलिफ है। जादू क्या होता है? देखिए, जादू होता ये है कि इंसानों में से जो बुरे लोग हैं ना, वो शैतानों में से कुछ बुरे लोगों के साथ तालमेल बिठाते हैं। कैसे तालमेल बिठाते हैं? वो जब खुद बहकते हैं, खुद एक दूसरे से होते हैं, ऐसे हरकतें करते हैं। जादूगर जिनको कहें, या नए जमाने में मैं उसके लिए एक लफ्ज कहूंगा, आमिल। आज आप समझते हैं, लोग जादूगर बोले तो डरते हैं, नहीं जाते हैं, आमिल बोले पहले जाते हैं। याद रखो अल्लाह के बंदो, ये जो आमिल कामिल के नाम पे काम करने वाले, अगर वो किताब व सुन्नत की तालीमात से आगे बढ़कर तावीज़ गंडे करने वाले, मुख्तलिफ किस्म के तंतर मंतर करने वाले, मुख्तलिफ किस्म के अमलियात करने वाले, कभी घर में ले जाके सफूफ पाउडर डालने के लिए देते हैं, कभी आपको कोई धागा देते हैं, कभी कोई पलीता, ये सारी जादूगरी की शक्लों में से, ये जादूगरी की शक्लों में से, याद रखना। बल्कि बाज़ अहले इल्म ने एक बात अलामत के तौर पे जिक्र की है, वो क्या है? कहे इलाज, आपके जिस्म से मुतालिक बीमारी है ना, कोई आदमी आपसे आपके वालिदैन का नाम पूछता है, आप समझ जाना कि वो जादूगर है। बीमारी आपकी है, आपके वालिदैन के नाम से क्या लेना देना है उसको। कोई आदमी आपसे कोई दूसरी चीजें पूछता है, तकलीफ जिस्म में है, डॉक्टर को आप नाम ना भी बताएं, हाथ रखकर वो नब्ज देखकर या आपके इसको सूरत हाल को देखकर बीमारी पता लगा लेता है। या फिर डॉक्टर के सामने आप ये रखें, अपनी रिपोर्ट्स रखें, ब्लड की फलां की टेस्टिंग करवा, उसको देख के पहचान लेता है। अगर वो सच्चा मुआलिज होगा ना, सही मानों में इलाज करने वाला, उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बड़ी आसानी से दुआएं, अज़कार वगैरह सिखाकर आपको बात खत्म कर लेगी। लेकिन जो आपका नाम पूछे, आपकी वालिदा का नाम पूछे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछे, आपके बिजनेस की शुरुआत कौन से डेट को हुई थी ये पूछे, आपने गाड़ी कौन सी तारीख को खरीदी पूछे, समझ लेना ये जादूगर है। ये आमिल कामिल नहीं, ये जादूगरों की अलामतों में से अहले इल्म ने लिखी। ऐसे ही आपसे कोई चीज मांगे, आपका कपड़ा ला के दो, आपका बनियान ला के दो, आपकी टोपी ला कर दो, आपका पजामा ला कर दो। और माफ करे, मुझे कहने दे, ये होता है, करने में लोग शर्माते नहीं तो बोलने में क्या, खवातीन के अंदरूनी लिबास तक लोग तलब करते हैं, इलाज के नाम पे मांगते हैं। ऐसी कोई भी चीज आपसे मुतालिक, आपके घर की कोई चीज कोई मांगे ना, समझ जाना वो जादूगर है अल्लाह के बंदो, वो जादूगर, वो आमिल कामिल कोई नहीं होता है। ये सारी जो बातें करते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं असल में, एक चीज आप याद रखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की, जिसका तज़किरा मैंने किया, सूरह जिन अगर आप पढ़कर देखेंगे ना तो सूरह जिन में अल्लाह ताला ने यह भी जिक्र किया है कि इंसानों में से कुछ जिन ऐसे होते थे जो जिनों से ताल्लुक रखते थे, और जिनों में से कुछ ऐसे जिन या इबलीस और उसकी जुर्रियत में से कुछ होते जो इंसानों से ताल्लुक रखते थे, और दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते थे। कैसे फायदा उठाते? इबलीस और उसकी जुर्रियत जब आदम और बनी आदम को डरते हुए देखते हैं तो उनको खुशी मिलती है, उनका नफ्स बड़ा हो जाता है। तो आदम और बनी आदम को तकलीफ देने, उनको डराने धमकाने के लिए कोई इंसान मददगार बनने के लिए तैयार है, कोई इंसान तो उससे ये मदद लेते पहले कि उस इंसान को कुछ देकर कुछ लेते वाली पॉलिसी पे। इस और उसकी जरूरियत के साथ एक मामला ये होता है कि वो इंसानों के साथ, यानी जो शरीर इंसान है, नाफरमान इंसान है, उनके साथ ले दे का मामला करते। ले दे क्या है? जिन्नों को क्या फायदा मिलता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। पहला फायदा ये कि आदम और बनी आदम को वो खुद तकलीफ पहुंचाते हैं, और कुछ मामलात में इंसानों से मदद लेकर उनको तकलीफ पहुंचाते। मैंने बताया तकलीफ पहुंचाकर उनको खुशी मिलती है। आदम और बनी आदम को डरते हुए देखते हैं तो उनको खुशी मिलती है, कह रहे आदम की औलाद मुझसे डरती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई, कुरान मजीद की वो जो आयत है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जिन के अंदर जिन्नों की जबानी ये बात नकल की कि हम में से कुछ ऐसे लोग थे कि जो इंसानों से ताल्लुक रखते थे, तो जिन उनसे पनाह मांगते थे, और जब वो जिन्नों से पनाह मांगते थे तो इंसानों की इस पनाह मांगने से जिन्नों को बड़ी खुशी मिलती थी, वो बड़े फूले समाते थे, फूले नहीं समाते थे। कैसे? हदीस में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई, ज़माने जाहिलियत में लोग क्या करते, जब भी कभी किसी वादी में उतरते, जंगलों बयाबान में उतरते, तो उतरते ही एक आदमी कहता अऊज़ु बि कबीर हादल वादी, इस वादी का जो सबसे बड़ा जिन है मैं उसकी पनाह में अपने आप को देता हूं। ये सुनकर वो इबलीस इतना खुश होता कि अपने सारे मातहतीन छोटे शैतानों को कह देता इस कबीले वालों को किसी को कोई तकलीफ न दे। क्यों? इसलिए कि पनाह अल्लाह की लेनी चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, शैतान की पनाह ले ली, इबलीस की पनाह ले ली। शैतान का मकसद मिल गया, एक तो वो बड़ा भी हो गया, दूसरा ये मुशरिक भी हो गया। फिर उसको तकलीफ देने से वो रुक जाने की बात करते, ये मामला चला करता था। तो शैतान का फायदा ये होता है कि वो इबलीस वो बनी आदम के जरिए, ये जादूगरों के जरिए, इन आमिलों कामिलों के जरिए लोगों के इलाज मुआलजे के नाम पर नहीं, लोगों को तकलीफ देने के काम करता है, और साथ में उनको शिर्क और बिदआत में मुब्तला करने की तरफ ले जाता है। अब इंसानों से जिन्नों का क्या फायदा होता है? जो जादूगर होते हैं ना, ये जादूगर ये कहने लगते हैं मेरे पास एक ऐसी ताकत है कि जो ताकत आम इंसानों के पास नहीं, कोई ताकत औकत नहीं होती उसके पास, वो इंसान ही रहता, उसके पास कोई गैर मामूली ताकत नहीं आती। होता बस ये है कि वो शैतानों को खुश करके शैतानों की मदद ले लेता है, शैतानों को खुश करके शैतानों की मदद ले लेता है, और मदद लेने के बाद क्या करता है, ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाता है, लोग हैरान रह जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं, आप समझें कैसे ये इंसान और जिन का मामला आपस में साथ चलता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक वाकया पेश आया। आज आपको एक बात बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी आमिल के पास जाते, कोई मुसलमान जाता है, जाकर आप वहां बैठते हैं, अभी आपने अपनी बीमारी तकलीफ बताई नहीं, वो खुद बताने लगता है आपको, तुम्हारा नाम ये है, तुम फला कारोबार करते हो, 7 साल से इस परेशानी को लेकर परेशान हो, तुम्हारे घर में इतने बच्चे हैं, तुम्हारी ऐसी ऐसी बातें बताता है जो बंदा तन्हाई में करता है, यानी तन्हाई की बातें वो बताने लगता है। अब इंसान क्या सोचता है, भाई बड़े बाकमाल आमिल साहब हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारी बातें इन्होंने बता दी। अब उसके बाद आदमी सरेंडर कर जाता है, अपने आप को उनके हवाले कर देता है, और शैतान अब खेलने लगता है उसके ईमान से, अकीदे से। ये होता कैसे? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में लिखा है कि ऐसे ही शैतान को उन्होंने जो पहचानते थे ना, तो उन्होंने एक तरीका ही किया, ऐसे ही एक आदमी ने दावा किया कि मैं बगैर बता सकता हूं क्या है। तो एक मरतबा ये किया कि उन्होंने कुछ कंकरियां गिनकर कंकरियां उठाई, पकड़ लिया हाथ में, बता मेरे हाथ में क्या है। उसने न सिर्फ ये कि ये बताया कंकरियां हैं बल्कि नंबर तक बताया। मान ले 25 कंकरियां, कहा 25 कंकरियां आपके हाथ में, गिन ली तो गिन के बराबर हो गई। अच्छा ऐसा है, चल अगली बार गए, मुट्ठी भर उठाई, कहा अब बता कितनी क्या है। कहा कंकरियां हैं, कहा कितनी हैं, कहा वो नहीं बता सकता। क्यों? उसकी वजाहत करते हुए अहले इल्म ने लिखा है कि जब आप उठाकर गिन गिन के रख रहे थे ना, वो जो आपका करीन शैतान है, जो आपका साथी, वो आपको देख रहा था, उसी ने बता दिया कि इसके पास में 12 कंकरियां, उसने बता दी पहले। दूसरी बार आपने गिन के नहीं उठाई, समेट कर उठाई। उठाई हुई चीज तो मालूम है, गिन कर नहीं बताई तो उसे कैसे पता चलेगा? अब वो बता नहीं सकता। मेरे भाइयों, ऐसे ही सब तमाशे होते हैं। जिन के बताने पर, शैतान के बताने पे, एक सच के साथ 1000 झूठ मिलाकर आपके बारे में, आपकी बीमारी के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके खानदान के बारे में 20 बातें वो करता है, जिन बातों का हकीकत से थोड़ा ताल्लुक है, ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं। आप उसका यकीन करने लगे। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ आमिल कामिल, कुछ शोबदाबाज भी होते हैं, यानी कुछ कमालात दिखाने वाले भी होते हैं। बेंगलोर के एक आमिल के बारे में हमें कन्फर्म मालूम है, यानी वो जो उसके करीबी दोस्त हैं, वो उन्होंने हमें बताया कि वो क्या करता है। उसका तरीका ये है, आप जानते हैं हमने बचपन में खेला है, उसको हम चिटपिट कहते थे। फूक लगा के अगर छोड़े तो फटता है, वरना जो है आप देखें ना। ऐसे ही वो बताते हैं कि कोई एक जो है काड़ी समझते लकड़ी, किसी पौधे की टहनी, अगर आप उसे पानी में रखकर उठाएं और हाथ में पकड़ें तो हाथ में वो घूमती हुई महसूस होती है ऐसे। और अगर आप उसे वैसे ही उठाकर पकड़ें तो वो घूमती नहीं है। मैं बेंगलोर की बात बता रहा हूं, जो है सच्चाई वो बता रहा हूं। आदमी का एक आमिल है, वो क्या करता है, आदमी को बुलाता है, बुलाकर बिठाता है, बिठाकर देखता है। अच्छा क्या नाम है आपका? फुला है। कहाँ रहते हैं? फुला है। आपका कारोबार क्या है? फुला है। अगर देखता है कि मिस्कीन है, बेचारा है, माल पानी ज्यादा नहीं है, तो आदमी के हाथ में वो देता है, ये पकड़ो जरा। वो गाड़ी देता है जो घूमती नहीं है, हाथ में पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं। नहीं आप पे कुछ नहीं, जाओ आप, नहीं बहुत तकलीफ है फुला। अच्छा वो तावीज बांध लो, जाओ ठीक हो जाओगे। और वही अगर ऐसा आदमी आता है, जो आदमी पैसे वाला है, जायदाद वाला है, या असरो रसूख रखने वाला, कुछ भी दुनियादार जिससे निकाला जा सकता है, उसके हाथ में पकड़ लकड़ी थमाता है, घूमने लगती, कहता है देखो आप पे असर है बहुत लंबा, मैं तो कुछ नहीं कहूं, आपके हाथ में लकड़ी घूम रही है, आपके हाथ में घूम रही है। अब आदमी ये यकीन करने लगता है, हाँ मुझ पर जादू है, हाँ मुझ पर जिन का असर है, हाँ मेरे साथ कुछ गलत है। यही सब शोबदाबाजियां और यही सब जिनों की मदद से करामतें दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मेरे भाइयों, ये मसला याद रखो, जादू और जिन में होता क्या है, पहले तो इस तरह मालूमात ली जाती हैं और उसके बाद ये किया जाता है कि ये जादूगर जिन से इत्तिफाक करता है, शैतान से इत्तिफाक करता है, इबलीस की जुर्रियत में से किसी से इत्तिफाक करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम मेरे लिए कुछ करो। मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? जो सच्चे वाकियात है उनसे मिली हुई शवाहिद की रोशनी में आपको बताता हूं। कुरानी आयतें ली जाती हैं। कुरानी आयतें लिखने के बाद, माफ कीजिए, खिंजीर का जो सर होता है ना, खिंजीर का जो सर है, उसमें रख दिया जाता है। अब ये क्या है? कुरान की तौहीन है। और अगर कोई आदमी जानते बूझते करता है, मालूम है उसी ये हो रहा है, ये कुफ्र है। ये करके आदमी क्या करता है, किसी जंगल में जाके दफना दो, किसी पानी के कुएं में ले जाके फेंक दो। ऐसी जगह फेंकना जहां लोग आमतौर पे जाते ना हो, वीरान होना चाहिए। 7 गांव पीछे जाके फेंको, यहां फेंको, वहां फेंको। अब जब तक ये उसमें मौजूद है, उस वक्त तक यूं समझिए कि ये अल्लाह ताला के कलाम की तौहीन हो रही है। इस वक्त तक शैतान राजी रहता है और उसके बदले में जो बड़ा शैतान होता है, किसी छोटे शैतान को भेजता है, कहता है ये जो बोलता है इसकी बात सुन। ये जो आप सुनते हैं ना, मुवक्कल है मेरे पास। कोई मुवक्कल नहीं होता। शैतान बड़े शैतान को राजी करके छोटे शैतानों की मदद लेते हैं। अब उसके बाद ये जो छोटे शैतान है ना, इनको भेजता है, जाओ उसको सता, उसको सता। अब सताने के बाद वो लाता भी उसी के पास है, फिर सताने के बाद लाता उसी के पास है, वो नहीं तो उस जैसे के पास, दूसरे के पास, लेकिन लेकर जाता उसी के पास ताकि फिर अगले मरहले में ले जाए उसको, और ज्यादा बिदअतों में ले जाए, और ज्यादा शिरकियात में मुब्तला करें। यही उसका मकसद होता है, यही तरीका चलता रहता। और मैं आपको बताऊं जो सच्चे वाकियात हमने देखे, खुली आंखों से मैंने देखा, उसकी रोशनी में आपको बता रहा हूं। ऐसे भी होता है कई मरतबा, ये बातें आपके लिए ताज्जुब खेज होंगी, लेकिन यही सब होता है। कुरान की आयत लिखी होती उल्टी लिखी जाती है, उल्टी लिखते हैं। मकसद क्या है? कुरान की तौहीन करना मकसद होता है। ऐसी भी मिसालें हमने देखी हैं, कुरान की आयतें लिखी जाती हैं लेकिन गंदे खून से लिखी जाती हैं। मैं आपको लफ्ज कहूं तो बुरा लगेगा, औरतों के खून से लिखी। मकसद क्या होता है? वो अल्लाह ताला के दुश्मन को राजी करना, शैतान और उसकी जुर्रियत को राजी करना, और राजी करके उनकी मदद लेकर लोगों के ऊपर चलाना। अब जादूगर जो है सबको डराता है, लोगों से पैसा भी वसूलता है, कभी पैसा वसूल, और वो पैसा ना भी वसूल करे ना, तब भी ये बात याद रखना उसके दिल में सरदारी की ख्वाहिश है कि लोग मुझे डरते, मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। यही सब दुनियावी मकासद के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी हमने देखा है, ऐसा भी हमने देखा है कि मुर्गा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुर्गे को बुरा भला मत कहो, वो अजान देता है, लोगों को नमाज के लिए गोया जगाता है। तो क्या करते हैं? मुर्गा मंगाते हैं। जितने आमिल, जितने मज़ारों के पास आप देखेंगे ना, सारे मुर्गे वाले ही नजर आते हैं आपको, सारे के सारे मुर्गे वाले। और मुर्गा मंगा कर क्या करते हैं? और फिर उसकी बलि गोया देते हैं, उसकी बलि गोया देते हैं। या फिर कई मरतबा क्या करते हैं? उसका सर निकाल कर उसके सर के साथ कुछ गलत करके डालते। मकसद वही कि जो चीजें नेक या नेकी की अलामत हो उनकी तौहीन की जाए। और मैं आपको कहूं तो आप ताज्जुब ना करें, ये जादूगर भी जो बनते हैं ना ऐसे ही नहीं बनते। बस जादूगरों के बारे में ऐसी ऐसी बातें हमने पढ़ी हैं, आपको बोल दूंगा आप कांप उठेंगे यहाँ पे इस वक्त। बहुत अजीब व गरीब बातें, हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, सुनने के लिए भी हमको। ऐसे भी कोई हो सकते हैं क्या बदबख्त? एक जादूगर का इंतकाल हुआ, उसकी एक कुर्सी थी, अपने अलावा किसी और को बैठने नहीं देता था, अपने अलावा किसी को बैठने नहीं देता था। और उस कुर्सी में जब उसका इंतकाल हो गया, उसके बाद लोगों ने जब कुर्सी हटाई की तो देखा कि जिस कुर्सी पे बैठता था नालायक, उस कुर्सी के गद्दे के नीचे कुरान, अल्लाह ताला का कलाम रखा हुआ था। जालिम, ये जादूगरी ऐसे होती है, कोई कमाल नहीं। आप ये मत समझें कि वो बहुत पहुंचे हुए, कुछ नहीं होता, वो इंसान है, वो इंसान है, लेकिन शैतान और उसकी जुर्रियत को खुश करने के पीछे लगे रहते हैं। या फिर मैंने जैसे बताया ना, कुछ करतब, कुछ कमालात सीख लेते हैं, कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते फिर। बस यही है जादू, और कुछ नहीं। आप ये जो समझती है ना कि ये जाकर जाएंगे तो कारोबार को सुधार देंगे, बीमारी को शिफ्ट, कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। आप यकीन करो कुछ नहीं कर सकते। ये बस जिन और उसकी मगरूर के साथियों की मदद से लोगों को सताना चाहते हैं और लोगों को सीधी राह से भटकाना चाहते हैं। ऐसे काम इनकी तरफ से होते हैं। और जब बताओ ये सब कुछ इंसान करेगा तो शैतान और उसकी जुर्रियत मदद करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन वो मदद भी करने पे आएंगे। तो इस्लाम ने, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये कुछ नुकसान नहीं करते मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। अब अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को आजमाइश के लिए पैदा किया है, किसी को आजमाने के लिए अल्लाह छूट दे देता है। तो शैतान, जुर्रियत, इब्लीस, उसकी जुर्रियत और ये जो इंसान है जादूगर, ये सब मिलकर लोगों को सताने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे भाइयों, ये है जादू की हकीकत, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी दूसरा जो आप मैजिक समझते हैं ना, वो ट्रिक होती है जिसमें कमाल दिखाता है आदमी, करतब दिखाता है, वो अलग दुनिया है। बाकी ये जिससे लोग डरते हैं ना, जादू जादू जादू, यही है और कुछ नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह ताला के फजल व करम से इब्लीस को ईमान और तवक्कुल रखने वालों पे तसल्लुत नहीं होता। हम पीछे पड़े रहते हैं, तकलीफ देने के लिए, सताने के लिए पड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जादू हुआ था ना, आपको मालूम है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। यहूदी जादू में बड़े माहिर माने जाते, वो बड़े बाकमाल माने जाते थे। उसने तो इतनी खतरनाक कोशिश की थी कि अल्लाह के नबी का बहुत नुकसान कर ले जाए, जान ले ले, लेकिन अल्लाह के नबी के ईमान और तकवे का ये था, अल्लाह ताला को उम्मत को सिखाना था, इसलिए अल्लाह ने असर होने दिया। लेकिन अल्लाह के नबी के ईमान और तकवे का ये कमाल था कि पूरे जादू का असर कितना हुआ आपको मालूम है। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-फ़वाइद के अंदर बड़ी तफसीली गुफ्तगू लिखी है। मुख्तसर अल्फाज में कहते हैं 2 या 3 दिन तक सिर्फ असर था, और वो असर भी क्या था, आपकी दीन दावत तबलीग के मसले में कुछ नहीं था, सिर्फ एक मसले में हुआ। वो क्या था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाजे मुतहरात के साथ रात गुजारे होते, आपको ये ख्याल होता कि शायद आज रात मेरी अपनी बीवियों से खलवत नहीं हुई है, या आप रात नहीं गुजारे होते, आपके दिल में यह ख्याल आता शायद मैं रात गुजार चुका हूं, मुझे गुस्ल करना है। बस इतना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हुआ था। ईमान वालों के साथ अल्लाह के हुक्म से हो भी सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ईमान और तवक्कुल वालों की हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, ये जादू की हकीकत, ये जिन्नों की हकीकत है। बात समझ में आई यहाँ तक आपके सामने? अब मेरी आपके सामने कुछ गुजारिशात है। देखो भाइयों, सबसे पहले तो ये बात याद रखो, जादू कुफर है, जादू कुफर है, करने वाला भी कुफर करता है, करवाने वाला भी कुफर करता है। कोई भी इंसान अगर किसी जादूगर के पास जाता है, और मैं बता चुका हूं जादूगर जादूगर के नाम पे हो जरूरी नहीं, आमिल कामिल के नाम पे हो उसके पास भी अगर आप जाते हैं, और जाकर अगर आप उससे कहते हैं कि फला काम कर दे, करवा दे, या आपका काम कुफर है जो आपको दायरे इस्लाम से बाहर ले जाएगा। मोमिन का कभी किसी जादू से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। बल्कि मैं आपको आगे बढ़ के यहां तक बताऊं, सही कौल के मुताबिक जादू के तोड़ के लिए, जादू के इलाज के लिए भी जादूगर के पास नहीं जाना चाहिए, आमिल के पास, कामिल के पास नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, बड़ी मिसालें, बड़े वाकयात हमारे सामने। लोग कहते हैं हमारे अपने मुतालिकीन में, हमारे जरा दूर के रिश्तेदार, एक साहब, घर की कहानी बता रहा हूं, कहीं और की नहीं, एक साहब थे, ऐसे ही चक्करों में पड़ गए। पहले वही जिन्होंने सताया, फिर इलाज के नाम पे वही मज़ारों के चक्कर में गए। उनका अपना वाकया मैं आपको बताऊं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं मैं वहां जाता हूं तो मुझे शिफा मिल जाती है। कैसे वाकया सुनाया उन्होंने, कहा मुर्गी लेकर आओ, उसने कहा मुर्गी लेकर आओ, मुर्गी लाई तो क्या हुआ पता है, मुर्गी लाई तो वो खड़े हुए हैं, मुर्गी ली, उनके ऊपर से उतारी मुर्गी, मुर्गी उतार के उसने जमीन पे फेंकी, उस मुर्गी ने वहीं फड़फड़ा के जान छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, तुम्हारी सारी बीमारी तुम्हारे जिस्म पर से रगड़ के मैंने उतार दी, जादू इतना ताकतवर था कि तुम्हारी सारी बीमारी मुर्गी में आई तो मुर्गी मर गई, तुम ठीक हो गए, लेकिन जादू इतना ताकतवर था कि मुर्गी बर्दाश्त नहीं कर सकी, मर गई। झूठ बोल रहा है नालायक। आपको मैं बताऊं उसकी हकीकत क्या है, उसकी हकीकत यह है कि जिन जब किसी के तरफ से आता है या खुद आता है तो वो मुतालबा करता है, मेरे नाम का कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, छोड़ कर जाऊंगा, मेरे नाम पे कुछ देना, काला बकरा, पीला बकरा, जो भी बकरा, मुर्गी, जो भी मांगता है, ये मेरे नाम पर देना। अब ये मसला क्या था, ये जो चढ़ावा चढ़ाया ना, ये कोई बीमारी उसके अंदर नहीं उतरी, समझो अल्लाह के बंदो, बीमारी उसके अंदर नहीं उतरी। ये मसला ये था कि वो जिन को राजी करने के लिए अल्लाह के नाम, गैरुल्लाह के नाम जानवर देने वाली बात है, गैरुल्लाह के नाम पे जानवर दे दिया, ले लिया और खत्म हो गया, उसने ले ली, जान ले ली उसकी। और ये आदमी समझ रहा है मेरी बीमारी पर मुर्गी में चली गई, खत्म हो गई। यही सब धोखे आपके साथ होते हैं। इसलिए जादूगर के पास कभी इलाज के लिए ना जाना। आखिरी हद में बताऊं क्या है, कुछ लोग अल्लाह के बंदे तौहीद परस्त थे, गलती से कोई उनका दोस्त होता है ना, कभी आओ मैं ले जाता हूं, तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे पीर साहब, कुछ नहीं मांगेंगे आमिल साहब। उसने कहा अच्छा कुछ नहीं, लीमू दे दो, लीमू में क्या है, मैं जानवर थोड़ी मांग रहा हूं, बकरा मांग रहा हूं, मुर्गी का लीमू दे दो। वो लीमू भी लेते हैं तो क्या करते हैं, लीमू का भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। आप जानते हैं गैरुल्लाह के नाम पे नजराना और चढ़ाना, लीमू का चढ़ाएं तो भी शिरक है। आप लीमू का चढ़ावा चढ़ाएं, नजराना चढ़ाएं तो भी शिरक है। अब वो धोखा क्या देता है आपको, ये कहता है मैं कोई जानवर थोड़ी मांग रहा हूं आपसे, मैं तो लीमू मांग रहा हूं, लीमू देने में क्या है आपको। अल्लाह के बंदो, अपनी तौहीद का कभी याद रखना, जादू करना भी कुफर है, करवाना भी कुफर है, इलाज के नाम पे जाना भी गलत है। और दूसरी बात यही कहना चाहूंगा, बहुत सारे खास तौर पर दीनी मालूमात जहां कम होती ना, ऐसे समाज में खवातीन, औरतें सबसे ज्यादा इस फितने का शिकार होती। घर में बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, शौहर को बताती भी नहीं, चुपके से किसी पड़ोसन के साथ निकल जाती है। शौहर बीमार है मुसलसल, इलाज करवाते करवाते थक गए, शिफा नहीं हो रही है, क्या करते हैं, चुपके से किसी आमिल के पास चली जाती, कोई खुफिया लाके कोई पाउडर मिलाई, खाने में मिला दी, पानी। अल्लाह की बंदो बंदियों, माओ बहनों, समझो दीनो ईमान का सौदा हो रहा है। तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता कोई नहीं करवा सकता। ऐसा नहीं होता, ऐसा सब कुछ नहीं होता। याद रखना इन सब चीजों को कि इलाज के नाम पे या किसी भी कारोबार में नुकसान हो रहा है, फलां मजार के पास जाकर आ जाएंगे, भला कुछ नहीं होगा। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, धोखा कहाँ होता है पता है? कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक आदमी के ऊपर कोई जिन मुसल्लत हो गया, खुद मैं बताया क्यों मुसल्लत होता है, या किसी जादूगर ने जादू करके जिन को भेज दिया और वो जिन तकलीफ दे रहा है। अब ये जिन आदमी पर मुसल्लत है, आदमी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? किसी मजार के पास जा रहा है या किसी मंदिर के पास जा रहा है। आपको बताऊं, इस मामले में हमने देखे मुसलमान मंदिरों में जाते हैं। अल्लाह के बंदो, मंदिर में जाता है आदमी, ठीक हो जाता है आदमी, ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है? लोग क्या कहते हैं? बाबा की दुआ में बड़ी तासीर है, या स्वामी के जो मंत्र में बड़ी तासीर। कुछ नहीं है अल्लाह के बंदो, समझो, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, इबलीस और उसकी ज़ुर्रियत आपसे क्या चाहती है? चाहती है कि आप मुशरिक हो जाएं, आप काफिर हो जाएं, आप अल्लाह ताला के दीन को छोड़ दें। जैसे ही आप मजार के पास गए, जिन शैतान छोड़ के निकल जाता है आपको। क्यों छोड़ के निकल जाता है? ताकि वो छोड़ के निकल जाए लेकिन उसका अकीदा आपके दिल में आ जाए। अब आप बताओ, जिस मजार के पास जाकर आदमी की तबीयत ठीक होने लगे, अब आदमी वो मजार से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? मंदिरों से लोग लगे रहते, कहते मुझे आता हूं तो यहां सुकून मिलता है। कोई सुकून नहीं मिलता, सुकून नहीं। अल्लाह के बंदो समझो, आपके साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ताला की से दूरी के नतीजे में अल्लाह ताला के ये जो नाफरमान जो है वो तुम पे मुसल्लत हैं, तुम्हें सताते हैं। वहां जाते हो तो छोड़ के हट जाते हैं ताकि तुम शिरक में मुब्तला रहो, बिदअतें करते रहो, कुफरियात में मुब्तला रहो, शिरकियात में मुब्तला रहो। यही सब खिलवाड़ होता रहता है। इसलिए कभी इलाज मुआलजे के नाम पर, बीमारी की शिफा के नाम पर, बच्ची के रिश्ते के नाम पर, कारोबार में तरक्की के नाम पर, या फिर किसी बड़े बड़े ओहदे के नाम पर ये सब चीजें मत करो। ये कुफर का काम है अल्लाह के बंदो। हमारे अपने दौर में हमने देखा है, ऐसे ऐसे लोग होते हमारे अहले हदीसों की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह का फजल व करम है। कोई उनसे आके कहता, कोई तावीज, कोई पलीता, कहते बच्चा मर जाए गवारा कर लूंगी लेकिन एक धागा नहीं बांधोगी उसके। ये ईमान वाली हमारी माएँ थी, ऐसी तौहीद वाली हमारे माएँ थी। आज की हमारी माओं का ऐसे ही तौहीद वाला, ऐसे तकवे वाला होना चाहिए कि शैतान और उसके सारे चेले मिलकर तुम्हारे दीन और ईमान पे डाका डालने की जसारत ना कर सके। दूसरी बात जो कहना चाहूंगा वो ये कि अगर आप इलाज करवाना, मान लीजिए कि किसी पर जिन का असर हो गया, यानी जिन सता रहा है किसी को, या किसी के जादू का असर हो गया, तो इलाज क्या है? इलाज क्या होना चाहिए भाइयों? देखो, जो इलाज वाज़ेह ना हो, वाज़ेह क्या होता है? आदमी क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, आपको क्लियर मालूम होना चाहिए। एक आदमी है, कुछ भी करके देता है, आपसे कपड़ा मांगता है, आपसे कोई चीज मांगता है, आपको कोई चीज कहता है ले जाके वहां रख दो, वहां लटका दो, वहां रख दो। कोई इलाज नहीं अल्लाह के बंदो, इलाज का ये तरीका नहीं। सबसे पहले ये बात याद रखो, इलाज के मामले में कुरान और सुन्नत में हमें कई इलाज बताए गए, चाहे वो जिन का मसला हो या जादू का मसला हो। इन तरीकों को ही आजमाओ, इनके अलावा कोई तरीका नहीं। लोग जो तरीके अपनाए हुए हैं ना, उनके चक्कर में मत पड़ो, उनके चक्कर में मत पड़ो अल्लाह के बंदो। ये जो तावीज़ें देते हैं ना, तावीज़ कई तरह का होता है, ये भी शायद आपको मालूम ना हो। तावीज़ ये भी है कि लिख कर आपको दे कागज, तावीज़ ये भी है कि आपके घर के लिए तोगरा ओगरा बना के दे, तावीज़ ये भी है कि कोई धागा दे दे, तावीज़ ये भी है कि कोई लोहा, कोई लकड़ी वगैरह में कुछ नक्श करके दे दे, कुछ नंबर बना के दे दे, कुछ भी करके। ये सारे के सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको शिरक करार दिया है। और ऐसे ही ये जो सब बांधते हो ना, क्या है, लीमू बांधते हो, नारियल बांधते हो, मिर्ची बांधते हो, काला धागा बांधते हो, पीला धागा बांधते हो, जाफरानी रंग का धागा बांधते हो, लाल धागा बांधते हो, ये सारी की सारी चीजें ये खुराफात हैं, ये तावीज है, ये सब जायज नहीं। आपको किताब और सुन्नत में जो इलाज का तरीका बताया गया है उस तरीके से इलाज अपना करो। सबसे पहला क्या, बड़ी तेजी से गिना देता हूं इलाज के तरीके क्या है। सबसे पहला तरीका ये, अपने ईमान और तवक्कुल को अल्लाह पे मजबूत करो। जिस कदर ज्यादा आपका भरोसा अल्लाह पे मजबूत होगा ना, शैतान की पकड़ आप पे उतनी ही ढीली होती जाएगी। अगर वो पहले से कंट्रोल नहीं है आप पर, वो पहले से तकलीफ नहीं दे रहा है, तकलीफ देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मान ले उसका असर हो रहा है आप पर, आप साहिब तवक्कुल हो जाएं, अल्लाह पे भरोसा रखने वाले के मेरा रब नहीं चाहेगा, कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अल्लाह के तवक्कुल अपने अंदर पैदा करो। आप यकीन करो तवक्कुल से बड़ा कोई इलाज नहीं है, तवक्कुल से बड़ा कोई इलाज नहीं। और आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस बात के लिए मुझे जो है आप बर्दाश्त कीजिए, लेकिन समझिए आज आपको कहना चाहूंगा। पुराना दौर था, इलाज मुआलजा करने वाले सिर्फ जो है गैरों में हुआ करते थे। अब अहले हदीसों के अंदर भी रुकिया करने वाले, इलाज करने वाले अफराद बहुत ज्यादा हो रहे हैं। याद रखो अल्लाह के बंदो, रुकिया आपको खुद करना चाहिए, अपने बच्चों पे करना चाहिए, अपने आप पे करना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें कोई हरज नहीं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रुकिया करे, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं इसको समझो आप, जब आदमी किसी काम को पेशा बना लेता है ना, तो पेशा बनाने के बाद मार्केट में अपनी बात बनाए रखने के लिए बहुत सारी गलतियां वो करता है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, जो हमने देखा उसकी रोशनी में। ये बात पहले औरों के बारे में कहते थे, आज हमें अपनों के बारे में कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। कई ऐसे मुआलिज हमने देखे हैं जो गैरों की तरह हमारे अपने अवाम के अंदर तवहुम परस्ती, वहमो गुमान की बीमारी को आम कर रहे हैं। ईमान उनका रुखसत हो रहा है। अल्लाह के बंदो, इनकी तौहीद को मजबूत करो, इलाज तवक्कुल में है, इनकी तौहीद को मजबूत करो। हमने देखा एक साहब मेरे सामने, जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, एक मुआलिज अहले हदीस थे, दाखिल हुए। घर में दाखिल होने के साथ चार कोने देखे, ये कोना, वो कोना, ये कोना देखा। देख कर कहने लगे बहुत सख्त है। मैंने कहा आप गायबदान हैं, आप गायबदान हैं। दीवारें देखकर आप बताएंगे कि यहां बहुत सख्ती है, आपको बुलाए इलाज करने के लिए, इलाज कीजिए। ये गैबदानी के दावे कैसे? मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं। आपके दादा के जमाने से ये नजर आता है। गैबदाने मत यकीन करो अल्लाह के बंदो। मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो बंदे इस काम में लगे हैं, आप अगर इलाज करना चाहते हैं, लोगों का ईमान सबसे पहले मजबूत करो। तवक्कुल सबसे बड़ा इलाज है। और ऐसी बातें, ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां जो लोगों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा करें, उनके अंदर तवहुम परस्ती पैदा करें, इसका किताब और सुन्नत की दावत से कोई ताल्लुक नहीं, सही इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। और जो आदमी आपके अंदर ऐसे औहम और खुराफात फैलाए ना, समझ जाना वो अपने आप को कुछ भी कहता हो, लेकिन सही इलाज करने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह के बंदो, आप समझ कर रखो, सबसे पहले तवक्कुल अपना मजबूत करो। अल्लाह पर आपका तवक्कुल, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह के बंदो, शैतान तवक्कुल करने वाले बंदे के सामने आजिज आ जाता है, तंग आ जाता है। वो टकरा टकरा के मायूस होता है। जब तक आपका ईमान मजबूत होगा, जब आपका ईमान जरा मुतजलजल होता है ना, तब शैतान को रास्ते मिलते तक आने के। दूसरी बात आपको क्या करना है इलाज मुआलजे के लिए? सबसे पहली बात तवक्कुल, ईमान मजबूत करो। उसके साथ आप अपनी पंज वक्ता नमाजों का जायजा लो। नमाजों के साथ अज़कार की पाबंदी, नमाजों के साथ आपकी अपनी जो पाबंदी होनी चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने के जो जराए। कुरान आप कितना पढ़ते हैं, आप सुन्नतों का एहतमाम कितना कर रहे हैं, फर्ज नमाजों की मर्द हजरात बाजमात पाबंदी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खवातीन नमाज को उसके वक्त में पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं। और इनके साथ साथ अल्लाह के बंदो, जो जो अज़कार अल्लाह के नबी ने सिखाए हैं, मुख्तलिफ कामों से पहले, बाद में, इस्तिंजा खाने जाने से पहले, इस्तिंजा खाने से निकलने के बाद, और ऐसे ही हर काम से पहले और बाद, जो जो जहां दुआएं सिखाई आप जानते हैं, इन अज़कार की पाबंदी करो कि इनमें आपके अपने नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा जरिया है। सुभान अल्लाह, कितने ऐसे लोग हैं जो इलाज करते हैं, इसके पीछे उसके पीछे, नमाज फिर भी नहीं पढ़ते। कैसे होगा? शैतान से नजदीकी बढ़ाओगे, शिफा मिल जाएगी? नहीं होगा अल्लाह के बंदो, ये करो। तीसरा काम याद रखो इलाज के लिए, तीसरा मरहला जिस पे मेहनत करनी चाहिए, उन असबाब को तलाश करो जो आपकी जिंदगी में है, जो शैतान को आपसे करीब करते हैं। जैसे सूद है। आज एक बात मैं आपको बताऊं, ताज्जुब ना करें, आज जो हमारे समाज में ये जो देखते हैं ना, जिन सताता है, जादू ज्यादा है, इसके पीछे सूद बहुत बड़ी वजह है। सूरह बकरा की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, इस आयत की रोशनी में बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि सूदखोरी शैतान के मुसल्लत होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। और आज आप बताओ हम में से कितने लोग सूद से 100% पाक है। पाक होना चाहते हो, सूद को बाहर निकालो, सूद को घर से बाहर निकालो, अल्लाह के बंदो कारोबार से बाहर निकालो, अल्लाह के फजलो करम से ये असरात आपके घर में कम होंगे। और ऐसे ही आपके घर में गुनाह है, आपके घर में मिसाल के तौर पे टीवी है जिस पे सुबह शाम आप बेहयाई के मनाजिर देखते हैं, आप जो है गाने म्यूजिक सुनते हैं। शैतान को घर में बिठा के रखें, बोले शिफा मिल जाए, मिल जाएगी, नहीं होगा अल्लाह के बंदो। इन तमाम असबाब से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, तब शैतान आपसे दूर होगा। आप उसे नजदीक करें, फिर कहें आपको शिफा भी मिल जाए, नहीं मिलती। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौना, शैतान का तसल्लुत उन पे होता है जो उससे नजदीक करते हैं, करीब करते हैं, जो शैतान को अपने पास बुलाते हैं। शैतान क्यों दूर उनसे जाएगा। आप अपने आप को करें। और खास तौर पर माएँ बहनें, मेरी एक गुजारिश याद रखना, इसी हवाले से घरों के अंदर पाकी सफाई का खूब एहतमाम करो। जिस बिस्तर में बच्चा पेशाब कर दे, पहली फुर्सत में उसे साफ करो। खवातीन बसा औकात कुछ का मिजाज है, कुछ के पास मसरूफियात हैं, बच्चा पेशाब करके 4-6 घंटे निकल जाते हैं, बिस्तर साफ नहीं होता। पास घरों में तो सुना है, देखा नहीं लेकिन सुना है, बच्चा पेशाब करता है ना बच्चे को पाक करती है ना जगह को पाक करती है। क्या काम में लगी, कुछ नहीं, काम छोड़कर आओ, पाकी सफाई पे पहले मेहनत करो, साफ करो जगह पूरी। गंदगी अपने घर के अंदर नहीं होनी चाहिए और आपके अंदर भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। पाक साफ रहो, पाक साफ रहो। और खास तौर पर जो लोग मियाँ हो के बीवी हो रात गुजारते हैं, उसके बाद जिस कदर जल्दी हो गुस्ल किया करो, जिस कदर जल्द हो गुस्ल किया करो। मर्द हजरात रात गुजारते हैं, दिन में 2 बजे जाके नहाते हैं। नापाकी की हालत में इतना वक्त गुजारना अच्छी चीज नहीं है। कई खवातीन हैं वो सिर्फ इसलिए कि जॉइंट फैमिली की सूरत हाल है, फैमिली में बात मालूम हो जाएगी, वो मालूम होने देना नहीं चाहे। ये सारी बातें बेकार हैं। शादीशुदा मर्द औरत को इन बातों से शर्माना नहीं चाहिए। बाकी सफाई का मामला पहली फुर्सत में करो। ये सारे वो असबाब हैं जहां से शैतान आता है, इन असबाब का दरवाजा बंद करो। और उसके बाद इलाज के लिए कामयाब तरीन रास्ता क्या है मालूम आपको? कसरत से दुआ करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगो। आप अपने लिए मांगो, जो आपके घर में बीमार है उसके लिए मांगो, आप दुआ करो। आपको मालूम है नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शिफा कैसे अता फरमाई? इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा अल्लाह ताला ने दुआ से अता फरमाई। अल्लाह के नबी ने खुद अपने हक में दुआ फरमाई, बार बार अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई। हालांकि अल्लाह के नबी को इसके अलावा कुरानी आयतें पढ़ने का भी हुक्म हो, मैं उसका जिक्र करूंगा। लेकिन इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि हदीस से मालूम होता है कि जो शिफा का फैसला आया वो दुआ से आया। अल्लाह के नबी ने कसरत से दुआ की तो रात में अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया सारे जादू की हकीकत, और अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को शिफा अता फरमाई। दुआ करो। कितने ऐसे बीमार हैं जो डॉक्टरों के पीछे या मरीजों के पीछे घूमते हैं, लेकिन होता है माफ कीजिए आमिलों के पीछे घूमते हैं, लेकिन दुआ अल्लाह ताला से नहीं करते। कसरत से दुआ करो। और अगला तरीका इलाज का ये है कि आप रुकिया करें। रुकिया क्या है? कुरानी आयतें और मसनून जो दुआएं हैं वो, या गैर मसनून भी जो दुआया कलिमात होते हैं, ये दुआया कलिमात पढ़ना और फूंक लेना या फूंक देना, इसको रुकिया कहते हैं। रुकिया शरईया जो आज नाम है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुरान की आयतें, कुरान पूरा का पूरा शिफा। आप कोई मुंतखब आयतें पढ़ें ठीक है, नहीं कोई भी सूरत पढ़ें, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम की ये तासीर। अल्लाह ने कहा लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहू खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतारा होता ना तो आप देखते कि ये रेजा रेजा होकर बिखर जाता। इस कुरान के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि शैतान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप कसरत से कुरान की तिलावत करें, खुद भी सामने वाले को सुनाकर भी। ये पढ़ेंगे, पढ़कर दम करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, पढ़ के दम करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से इसकी तासीर से शिफा मिलेगी। बिलखुसूस सूरह फातिहा पढ़ने का अल्लाह के नबी से सबूत है। सूरह आले इमरान की आखिरी दुआ, माफ कीजिए, सूरह बकरा की आखिरी दुआएं पढ़ने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सबूत मिलता है। मुअव्वज़तैन यानी कुरान की आखिरी दो सूरतें पढ़ने का हुक्म है। ऐसे ही कुरान की दीगर आयतें भी आप पढ़िए, इनके जरिए अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। रुकिया खुद पर भी कीजिए, अपने घर बार पे भी कीजिए। ये गलत है कि हमने ये समझा है जैसे मेडिकल डॉक्टर होता है वैसे रुकिया के लिए भी कोई एक्सपर्ट आएगा तभी रुकिया होगा। नहीं अल्लाह के बंदो, रुकिया हर मुसलमान अपना खुद कर सकता है। करो, अपने आप पे करो, अपने घर बार पर करो, अपने बच्चों पे करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसन और हुसैन को करते थे, कहते थे बिस्मिल्लाहि अर्कीक, मैं अल्लाह ताला का नाम लेकर तुझ पर दम करता हूँ, रुकिया करता हूँ। अल्लाह के नबी के साहब अपने घरों में किया करते थे, आप अपने घरों में किया करो, रुकिया करो। और मेरे भाइयों, इलाज का एक और तरीका भी है, बाज़ अहले इल्म ने उसको मुजर्रब करार दिया, और ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जब तक कोई शरई मुखालफत ना रहे इलाज के ये तरीके जायज़ हैं। जैसे पछना लगाना, पछना लगाना समझते हैं आप, कपिंग, कपिंग, कपिंग खून जो निकाला जाता है। तजर्बे से ये बात है कि कई मरतबा पछना लगाने से भी आदमी को शिफा मिलती है, ये जिन और जादू के मसले में। और ऐसे ही ये बात आप याद रखें कि बाज़ अहले इल्म ने कुरानी आयतें जो रुकिया की आयतें, जादू वगैरह की आयतें हैं, बेर का जो पत्ता, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है, बेर का पत्ता जो होता है, बेर के पत्ते पे ये आयतें पढ़ के दम कर दें और उसको आप अगर कूट कर उसकी गोलियां बना लेते हैं और पानी में घोल कर गुस्ल कर लेते हैं, अल्लाह के फजलो करम से ये भी शिफा का जरिया बन सकता है। ये सब जायज़ जरिए हैं, इन पर आप मेहनत कीजिए, बकिया सारी चीज़ों को छोड़ दें, इनके चक्कर में मत पड़े। और आखिरी बात, 2-3 मिनट और ले लेता हूँ, 1.5 घंटा हो ही गया है। आखिरी बात बड़ी अहम आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, आपको ये जायज़ तरीके अपनाना चाहिए, उसके साथ ये भी समझना चाहिए कई मरतबा आपकी बीमारी असल में बीमारी नहीं होती। अल्लाह के बंदो, आपको गुमान हो जाता है कि आप बीमार हैं। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी कारोबार करता है, कारोबार की दुनिया का उसूल क्या है, जिस मैदान में कारोबार में आप उतर रहे हैं ना, उस मैदान का तजर्बा होना चाहिए। आदमी बगैर किसी साबका तजर्बे के कोई एक दुकान खोल के बैठता है, दुकान नहीं चलती, डूब जाता है। नया कारोबार खोलता है, उसका भी कोई तजर्बा नहीं, डूब जाता है। तीसरा कारोबार करता है, तजर्बा नहीं, डूब जाता है। आदमी कहता है मुझ पर जादू है, 3-3 कारोबार किया, सब डूब गए, जादू नहीं है तुम पर। मसला यह है कि कारोबार करने का तरीका तूने नहीं सीखा। अल्लाह के बंदे, कारोबार करने का तरीका सीख। ऐसा नहीं कि दुकान में सामान रखकर बैठ गए तो दुकान चल जाएगी, अल्लाह चला दे तो चला दे, वैसे भी। लेकिन हर मैदान का एक तरीका होता है, सीखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों का मेडिकल केस होता है। मेडिकल केस का मतलब क्या है, आदमी की जिस्मानी बीमारी है, उसके खून का कोई मसला है, या इंसान के जिस्म के अंदर किसी चीज की कमी ज्यादती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। आदमी हर चीज को जादू का नाम दे देता है, हर चीज को जिन का नाम दे देता है। अल्लाह के बंदो, इसलिए क्या, जब कभी आपको ऐसा कोई फर्क दिखाई देना तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं। और ये बात याद रखें, जो जिस्मानी इलाज है उसके लिए भी आप कुरानी आयतें पढ़कर अल्लाह से शिफा की उम्मीद रख सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन उसे जादू से जिन का असर कह देना ये गलत है, ये तवहुम परस्ती को जगह देने का सबब बनती। इसलिए जो जिस्मानी बीमारियां होती वो अपनी जगह पे हक हैं, उनका इलाज होते रहना चाहिए, इसका ख्याल रखें। और अगर अल्लाह ना करे उसके बावजूद भी कोई तकलीफ है, आप अल्लाह से इलाज करने के लिए यह असबाब इख्तियार कीजिए, दुआ कीजिए। लेकिन उसके बाद भी एक बात याद रखिए, वो बात क्या है मालूम आपको, ये सब असबाब हैं। अल्लाह नहीं चाहेगा तो हमें शिफा नहीं मिलेगी। अल्लाह के बंदो, कई बार अल्लाह ताला का फैसला ये होता है कि बंदे को किसी बीमारी में मुब्तला करके सारे गुनाह उसके यही मुआफ़ करवा दे, या अल्लाह बीमारी में मुब्तला करके उसके दर्जात बुलंद करे। दुनिया का कोई मुआलिज उसका इलाज नहीं कर सकता अल्लाह के बंदो। इसलिए ये बात याद रखना, कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं भाई रुकिया भी किया, दुआएं भी पढ़ी, इलाज भी किया, शिफा नहीं मिली, तभी हम आमिल के पास गए। नहीं, तब भी आपको नहीं जाना, यह आजमाइश है आपकी, आपके दीन और ईमान की आजमाइश है। इसका ख्याल रखो अल्लाह के बंदो, जायज जरियों को अपनाओ, अल्लाह से दुआ करो। उसके बाद भी अगर शिफा नहीं मिलती है, सब्र करो, सब्र करो कि इससे अल्लाह ताला के आप मुकर्रब बनते हैं, आपके गुनाह माफ होते हैं, आपके दर्जात बुलंद होते हैं। ये दुनिया आजमाइश की जगह है, अल्लाह ताला छोटी रखे बड़ी रखे, दुनिया छोड़ के जानी, कामयाब हमको होना है। और एक बात और बता दूं, कई बार ऐसा होता है, तजर्बा है इसलिए बता रहा हूं, हमने ये भी देखा है खास तौर पे नौजवान लड़कियों पे जो जिन आता है ना, बसा औकात ये लड़कियों की तरफ से अय्यारी मक्कारी भी होती है। जरूरी नहीं हर बच्ची पे आप शक करें, ये भी मुसीबत है। अब हर लड़की पे आप शक करें ऐसा भी ना करें, ऐसा जुल्म भी ना करें। हो सकता है बेचारी वाकईतन बीमार हो, वाकईतन तकलीफ में हो, लेकिन कहने का मतलब इतने भोले भी ना बने। कई बार हमने देखा है कि नौजवान लड़कियों की तरफ से या बसा औकात लड़कों की तरफ से ये हो जाता है कि शादी ऐसी जगह आप नहीं कर रहे हैं जहां वो चाहती है, या वो पसंद कहीं और रखती है, आप उसका रिश्ता कहीं और कर रहे हैं, तो फिर बेटी पे दौरे आने लगते हैं, बेटी पे फिर जो है तकलीफें आने लगती हैं। तजर्बे से पता चला है कि ये सिर्फ रिश्ते से बचने का एक रास्ता है। आप इस पर भी नजर रखें बसा औकात, कहीं धोखा ना हो। वो बीमारी अपनी जगह बरहक है, मैंने कहा ना हर बच्ची पे शक मत करो। अल्लाह के बंदे, आपकी अपनी बच्चियां हुस्न-ए-ज़न रखो, लेकिन इसका भी ख्याल रखो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बच्ची का कुछ और मामला हो, आपका दिमाग कहीं और हो, वो चाहती ये है कि ये रिश्ता कट हो जाए, ताकि जिस रिश्ते की वो इंतजार कर रही है या उम्मीद रखी हुई है वो रिश्ता उसे मिल जाए। इन सब बातें इस मामले से जुड़ी हुई हैं। हमारा तरीका क्या है भाई, ये सारी हकीकतें सुनने के बाद कुछ बातों को याद रखो हमेशा कि किताब और सुन्नत में इस मामले को बहुत सादा करके बताया गया है। ये शैतान और शैतान के हवारियों का मकरो फरेब है। आप ईमान वाले होकर किताब और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में खुद की ईमान की और अपने जिस्म की हिफाजत करना चाहेंगे, अल्लाह की मर्जी से अल्लाह ताला का दीन आपके लिए काफी हो जाएगा। लेकिन अगर इस पे बस नहीं करके इधर उधर जाएंगे ना, तो फिर अल्लाह रहम फरमाए कि यहीं से आपके दीन और ईमान को लूटने के दरवाजे खुल जाएंगे। अब ये आप पर है कि किताब और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में अपनी परेशानियों का हल ढूंढेंगे, या फिर ये कि शैतान मरदूद और उसके चेलों के हाथ में खिलौना बनकर अपने दीन और ईमान ज़ाये करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात को, ख़वातीन को इन बातों को समझकर इनकी रोशनी में अपने आप को सुधारने संवारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी और हमारे और आपके घराने की शैतान से, इबलीस से, उसकी ज़ुर्रियत से, सरकश जिन्नों से, सरकश इंसानों के शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो लोग बहक गए अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला शर पसंदों के शर का खातिमा फरमाए और अल्लाह ताला खैर का बोलबाला करे। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहम हैं तो उन पर बात कर लेंगे। एक अहम सवाल ये कर रहे हैं कि कुछ लोग आजकल ऐसी गलतफहमी का शिकार हैं कि डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में शिफा रखी है, इसलिए आपकी बीमारी कोई भी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट के पेशेंट हो, या ये कि आपको बुखार हो, जिस्म की जो भी बीमारी है उसका इलाज भी कुरान ही में करना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये शिरक होगा, गलत है, ये बात गलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि तदावू या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो दवा इस्तेमाल करो, फ़इन्नहु मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला वक़द अंज़ल लहू शिफ़ा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी उतारी है अल्लाह ताला ने उसकी शिफा भी उतारी है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा इस्तेमाल की है। आपको मालूम है अल्लाह के नबी जब ज़ख्मी हो गए थे, जंग उहुद में अल्लाह के नबी जब ज़ख्मी हो गए थे तो हसीर जलाकर उसकी राख भरी गई थी। और पुराने दौर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके पूछ कर देखिए, यह ऑपरेशन का ज़माना आने से पहले किसी का खून रोकने के तरीके क्या थे। आज भी हम लोग हल्दी इस्तेमाल करते हैं, हल्दी इस्तेमाल करते होंगे आप भी जानते हैं। उससे पहले या उसके ज़माने में यह राख जो है ना, वो राख रखी जाती थी जिससे खून रुक भी जाता था और जख्म सड़ता नहीं था। जख्म जो है जो सेप्टिक होता है या इन्फेक्शन, वो नहीं होता था। तो इन सब चीज़ों के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे। अल्लाह के नबी ने भी इस्तेमाल की है, दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। देखो एक बात याद रखो, मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा, अल्लाह चाहे तो कुरान के ज़रिए भी आपकी बीमारियों की शिफा दे सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने इसके बावजूद हमें ये बात सिखाई कि हम दवा इस्तेमाल करें। तो होना ये चाहिए आप दवा भी इस्तेमाल करें, आप दुआ भी करें, और दुआ ही में है ये कुरान की आयतें सुनना वगैरह। लेकिन ये जो तरीका है कि मान लेना कि कुरान ही में शिफा है का मतलब सारी दवाएं छोड़ दो, आकर कुरान ही सुनते रहो। याद रखें वक्ती तौर पर हो सकता है आपको उसके नुकसान का अंदाजा ना हो, लेकिन देर सवेर जाकर उसका नुकसान आपको नजर आएगा। इसलिए अगर ऐसी कोई बात कहता है तो आप उसकी बातों में मत आए। जब अल्लाह के नबी इलाज करने का हुक्म दे रहे हैं, दवा इस्तेमाल करने का हुक्म दे रहे हैं, तो फिर ये ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको बता रहा है दवा मत इस्तेमाल करो? भाई अल्लाह के नबी से ज्यादा तवक्कुल तो नहीं, तौहीद अल्लाह के नबी से ज्यादा तो समझा नहीं सकता ना। तो चाहे वो कोई भी हो, कोई आलिम हो, गैर आलिम हो, कोई तजर्बेकार आदमी हो, कुछ भी हो, लेकिन दवा इस्तेमाल करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं। हाँ, दवा इस्तेमाल करें, भरोसा अल्लाह पे रखें, दवा पे भरोसा मत करें। दवा सबब है, सबब में तासीर अल्लाह ताला देता है, तो भरोसा अल्लाह ताला पे रखें, दवा पे भरोसा ना रखें, लेकिन दवा को जरिए के तौर पे, सबब के तौर पे इस्तेमाल करें कि अल्लाह के नबी ने दवा इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। जी, अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये सवाल भी अच्छा है, वो तावीज पर मैं जरा और बोलता तो अच्छा होता, लेकिन आपके सवाल से मौका मिल गया। कहते हैं भाई हम जो है भरोसा अल्लाह पर ही रखते हैं, लेकिन तावीज को जरिया समझ के इस्तेमाल, जैसे दवा इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे तावीज को भी जरिया समझते। भरोसा तो हमारा अल्लाह ताला, याद रखें भरोसा हर हाल में सिर्फ अल्लाह पे होना चाहिए। जरिया क्या हो सकता है? जरिया दो किस्म की चीजें होती, एक वो जिसको हम जो है फितरी तौर पर उसका जरिया होना साबित है, यानी तजर्बे और मुशाहदे से वो दवा है इसका पता चलता है। कैसे? अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है ये। मिसाल के तौर पर इंसान की तबीयत में अगर गर्मी बढ़ जाती है तो गर्मी को हद एतदाल पे लाने के लिए जड़ी बूटियां, दवाइयों में से वो चीजें दी जाती हैं जो उसको बराबर करती हैं। अब ये जरिया समझ में आता है कि तबीयत में फर्क क्या है, उस फर्क को दुरुस्त करने के लिए क्या दवा दी जा रही है। इसको कहते हैं कुदरती जरिया, कुदरती असबाब। और दूसरा जरिया है जिसको हम शरई सबब कहते हैं। शरई सबब का मतलब ये कि शरीयत ने जिस चीज को सबब बनाने का हुक्म दिया है, और शरीयत ने सबब बनाने का जो हुक्म दिया है, दुआओं को, कुरान की आयतों के पढ़ने को, लटकाने को नहीं, पढ़ने को, और ऐसे ही कोई और जरिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो जो शरई सबब है, शरई सबब इख्तियार करना चाहिए। तावीज का मसला क्या है? तावीज कोई दवा नहीं है, तावीज कोई दवा नहीं, और वो शरई सबब भी नहीं कि अल्लाह के नबी ने सिखाया हो, उल्टा अल्लाह के नबी ने मना किया है इससे। अल्लाह के नबी ने उल्टा तावीज से मना किया है। इसलिए आदमी को तावीज को सबब नहीं मानना चाहिए। आप अल्लाह पे भरोसा रखते हो, लेकिन जरिया वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका जरिया होना साबित नहीं। जरिए दो ही तरह के हो सकते हैं, दवा की तरह उसका कुदरती जरिया होना मुजर्रब हो, साबित हो अतिब्बा हुक्मा के पास, या फिर ये कि आपके पास उसका सबब होने का शरई सबूत हो। ये दो चीजें ना हो तो फिर किसी तीसरी चीज को सबब बनाना ये जायज नहीं होता है। चाहे आप अल्लाह ही पे भरोसा रखते हो, तो आप अल्लाह पे भरोसा रखने की वजह से अल्लाह पे भरोसा रखने वाले तो हुए, लेकिन नाजायज जरिया इस्तेमाल करने की वजह से आप गुनहगार हुए, और हदीस के अल्फाज में शिर्क असगर के आप मुर्तकिब हुए हैं। जी, किसी पर जिनका हमला हुआ हो तो क्या मुकम्मल तौर पर उससे आज़ादी हासिल कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आज़ादी हासिल, कोई इसकी बात नहीं। देखिए एक मसला याद रहे, जिन किसी को सता रहा है, किसी पे मुसल्लत हो गया, क्या जिन पूरी तरह से छोड़कर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, उसके लिए परमानेंट जगह नहीं। बल्कि आपको मैं बताऊं, जिन अगर नाहक किसी इंसान को तकलीफ देता है तो वो गुनहगार है अल्लाह ताला के पास। जैसे इंसानों में से कोई इंसान किसी को नाहक सताए तो गुनहगार है, वैसे अल्लाह ताला के पास वो हमेशा के लिए गुनहगार है। अब आप बताओ, किसी जालिम के जुल्म से छुटकारा पा सकते हैं कि नहीं पा सकते? पा सकते हैं ना। वैसे ही अल्लाह चाहेगा तो जिनके असर से भी पूरी तरह छुटकारा मुमकिन है। आपका काम यह है कि आप जायज और सही तरीके अपनाएं, और खास तौर पर जो असबाब जिन्हों के आपके करीब रहने के हैं, उन असबाब पर आप कंट्रोल रखें। कई बार क्या होता है, लोग सूद नहीं छोड़ रहे हैं, इलाज पे इलाज किए जा रहे हैं। जिन नहीं छोड़ेगा आप सूद छोड़ो, उसके साथ इलाज करो, तब जाकर अल्लाह के फजल करम से शिफा होगी। तो पूरी तरह भी छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो जिंदगी भर साथ भी रह सकता है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला जो फैसला करे, लेकिन हमें अल्लाह पे यकीन रखकर, अल्लाह से उम्मीद रखकर दुआ करनी चाहिए, दवा करनी चाहिए, इलाज मुआलजा और दुआ करते रहना चाहिए। जी अल्लाह में रुकावटें हो रही हैं तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? देखिए, हमल में रुकावटें होने की जो बात है ये ताबीर गलत है। हमल में कोई रुकावट नहीं होती, अल्लाह ताला जब मुकद्दर रखता है तब होता है, अल्लाह ताला नहीं चाह रहा ये कहिए आप। अब उसका इलाज क्या है? उसका सही इलाज ये है कि मैं जैसे कहा उसका कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है, डॉक्टरों से राब्ता कीजिए, उसका कोई तिब्बी सबब हो तो उसका इलाज कीजिए। कई बार उस इलाज मुआलजे के बाद हो जाती है औलाद, लेकिन अगर तिब्बी कोई मसला नहीं है तो फिर आप कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए और कसरत से अल्लाह के नबी पे दरूद पढ़िए, कसरत से ये दो अमल कर कसरत से कीजिए, इसलिए कि इन दोनों पर बड़े वादे हैं। जैसे कसरत इस्तिग़फ़ार पर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। तो इस्तिग़फ़ार के नतीजे में औलाद देने का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, इसलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब अपने गुनाहों से तौबा करना और इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना। और दरूद के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई, बंदा जब खूब इस्तिग़फ़ार करता, खूब दरूद पढ़ता है ना, दरूद जब कसरत से पढ़ता है तो बंदे की जो जो हाजतें होती हैं बग़ैर मांगे भी अल्लाह ताला वो हाजतें उसकी पूरी करता है। इसलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, कसरत से दरूद पढ़ते रहिए, अल्लाह से दुआ मांगते रहिए, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर अल्लाह ने औलाद मुकद्दर में नहीं लिखी है तो कई बार अल्लाह की तरफ से यही आपकी ज़िंदगी की आजमाइश है जिस पर अल्लाह आपको जन्नत दे सकता है। आपको इस आजमाइश पे सब्र भी करना चाहिए। हमारी ये दुआ है कि आप में से जो भी ऐसी हैं अल्लाह ताला आप सबको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, और आप में से जो हजरात भी औलाद से महरूम है अल्लाह सबको साहिब औलाद बना दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। सवालात लगातार आ रहे हैं तो यहीं पर रोक देते हैं। देखिए, मसला ये है कि तजर्बा ये बताता है कि लोगों को सवालात करने का मौका दें तो सवालात चलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है? 1.5 घंटा आपने बातें सुनी, बल्कि 2.25 घंटे। अब जो बातें आपने सुनी हैं, मेरी पहली गुजारिश ये कि इनको बार बार सुने, आप इनको रिपीट करके सुने। मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% बातें आप में से किसी के दिमाग में नहीं गई। मोटी मोटी बातें गई, लेकिन उसमें जो बारीकियां मैंने रखी हैं वो बातें आपकी समझ में नहीं आई होंगी। बार बार सुने यहाँ तक कि ये बातें आपकी समझ में आ जाएं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अगर कोई सवाल बाकी रहा तो आपके शहर में माशाअल्लाह उलमा मौजूद हैं, उन उलमा कराम से मदद लेकर सवालात करके आप अपने जवालाबाद हासिल कर सकते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाहु ताला अअलम व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अब प्रोग्राम के अख्तिताम पर एक ऐलान है, आइंदा इतवार को इसी वक्त मगरिब से लेकर ईशान तक मस्जिद मोइनुद्दीन सिद्दीकी NGO's कॉलोनी में जो मस्जिद है, जहां हर इतवार हमारे दुरूस हो रहे हैं, तो वहां पर आइंदा इतवार को मगरिब से लेकर ईशान तक जलसा रखा गया है। तमाम लोग उसमें शिरकत करें। औरतों के लिए वहां भी नज़म रहेगा, खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। बहरहाल यहीं पर हम ये जलसा ख़त्म करते हैं। मोहतरम इस्लामी भाइयों और पर्दे में बैठी माँ और बहनों, ये उन्वान के ज़रिए से हमारा एक बहुत बड़ा मकसद ये रहा कि आज हम देख रहे हैं शहर नंदयाल में लोग ऐसी मुश्किलों परेशानियों में, जिन जादू असरात इसके बहाने लोग दीन से बहुत दूर हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, ख़बरों पे जा रहे हैं, मज़ारों पे जा रहे हैं। हमारी मुसलमान माएँ और बहनें अपने ईमान से, अपनी इज़्ज़त व नामूस से मामून नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल यहाँ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसे माहौल में इस टॉपिक के ज़रिए से, शेख के इस खिताब के ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आओ कुरान और सुन्नत की तरफ, अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सुन्नत की तरफ। इसमें आपके लिए ये सारी बातें हैं। 1.5 घंटे के अंदर आपने जो बातें सुनी हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप इन बातों पर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको ये समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि कुरान और सुन्नत में जो मसाइल बताए गए हैं इस बारे में, वो वाकई मानों में हमारे लिए काफ़ी भी हैं और शाफी भी हैं, और हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा भी बन सकते हैं। तो कुरान और हदीस की तरफ आइए। कुरान और हदीस ये दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी का रास्ता है। इसको छोड़ के जो इलाज मुआलजे के नाम पे गुमराह हो रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो जैसे शेख ने कहा कि ये आजमाइश है, तो ये आजमाइश आपके दीन को इम्तिहान लेने के लिए है, तो इसमें साबित कदम रहिए, सब्र करते रहें और कुरान और सुन्नत का, तौहीद का रास्ता, तौहीद का दामन कभी ना छोड़ें। मैं इस जलसे के इख्तिताम पे सबसे बढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह की तौफीक से, उसके फजल से अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये इज्तिमा, आज का ये जलसा जो है कामयाब रहा। मान मैं शेख मोहतरम फजीलतुश्शेख मौलाना अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से, जमात के ज़िम्मेदारान अहबाब की तरफ से, कि आप सिर्फ़ हमारे खातिर, इसी मस्जिद के इसी जलसे के खातिर आपने इतनी दूरी का सफ़र किया। अल्लाह, आपने सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त किया। हमारी दिली ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी उम्र लंबी फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में तरक्की अता फ़रमाए। सलफ़ी मसलक की नशर व इशाअत में शेख की जो खिदमात हैं, अल्लाह ताला वो खिदमात को कबूल फ़रमाए। तादम हयात कौम व मिल्लत की ऐसी ही खिदमात अल्लाह ताला आपसे लेता रहे। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा व बारक फ़ीकुम। और आखिरी में आप सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ बैठे रहें, और इसके साथ जो लोग इस इज्तिमा को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिए, पैसों के साथ, वक्त के साथ, जिसने जिस किसी हिसाब से भी हमारा साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके ताउन को, आपकी मदद को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाज़रीन गिरामी, एक बड़ी ही अहम बात थी, मैं पहले तो मुझे ख्याल आया कि गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र कर दूँ, लेकिन मुनासिब यही लगा कि आखिर में ज़िक्र कर देना मुनासिब रहेगा। असल में आज हमारे अपने एक उस्ताद मोहतरम का इंतकाल हो गया है। आज अभी दिन में हुआ है, आज रात 10 बजे उनकी नमाज जनाजा बेंगलोर में है। अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन शायद आपका ये प्रोग्राम नहीं होता तो मैं वहाँ रहता, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे असातिज़ा ने तरबियत ये की है कि जहाँ लोगों की रहनुमाई का मसला हो, वहाँ शख्सी मसाइल को पीछे छोड़ देना चाहिए। और उसी बात को याद करके मैंने माजरत नहीं कि मुझे पता था कि प्रोग्राम में मैं अकेला हूँ, कोई और भी होते तो शायद मैं माजरत कर लेता, मैं आज आपके पास चला आया। अभी 4 दिन पहले हमारे एक और उस्ताद का भी इंतकाल हुआ, तो आज हम आप हजरात के सामने दीन की बातें ये सब बताते हैं, और ये आपकी ये जो उलमा हैं ये सब बताते हैं, तो उन्हीं असातिज़े किराम की मेहनतों का असर है अल्लाह के फजलो करम के बाद। तो ये हक़ बनता है हम पर तो है ही, हम बेटों के दर्जे में हम पर हक़ है, लेकिन आप अवाम उन्नास का भी यह हक़ बनता है कि इन मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम के हक़ में दुआए मग़फ़िरत भी करें, और उनके लिए हमेशा जो है दुआ करते रहें कि हमें भी और हमारे असातिज़ा को भी अल्लाह ताला जो है बख्श दे, माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह हम सब को जन्नत नसीब करे, जब भी बुलाए ये दुआ करते रहें। आज चूँकि मैंने कहा कि हमारे अपने उस्ताद का इंतकाल हुआ है, तो हकीकत यह है कि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा जो है, मैं पूरी तरह से जो है हाजिर भी नहीं हूँ, तबीयत ज़रा सा मेरी वहीं है, दिमाग वहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे कहा ना कि आप लोगों की रहनुमाई, यही असातिज़ा ने हमें सिखाया है कि अपने सी परेशानियों से आगे आपके मसाइल रखें, तो चले आए हैं। तो गुजारिश में ये करना चाहता हूँ कि हमारे इन दोनों असातिज़ा के लिए ही नहीं, हमारे सभी असातिज़ा किराम के लिए अपनी दुआओं में दुआ करना ना भूलें। हमारी इस दरख्वास्त के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दुआ पढ़ के उठें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।